कि हम किसी को दिल से दुआ भी नहीं देते दे कहीं सचमुच में डाली ना जाए अभी बैंक ने मेरी उंगली पकड़ ली उसने मुझे कोई तीन महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया चार महीने हुई तो तो, थी मेरी तो मेरी तो, तो जॉब हलवे की तरह आती थी प्लेट में रखकर मुझे अल्फला बैंक कहता था आप हेड ऑफ एचार आ जाए आप हेड ऑफ ट्रेनिंग आ जाए पांच लाख सैलरी ले लें जब मैं स्टेट बैंक छोड़ा उस वक्त मेरी दो ढाई लाख सैलरी थी दो हजार दस की बात कर रहा हूँ तो मुझे सरकारी गाड़ी मिली हुई थी रेजिडेंस थी। सब नंबर जो गाड़ी मिली मुझे मुझे दो दिन नींद नहीं आई। कि मेरे पास भी नंबर सर, 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 नंबर गाड़ी आ गई। सर खुद नौकरी है, है, करते है? <laughs> मैंने जी, मैं करता हूं। <laughs> कहते हैं वो भी सरकारी हंड्रेड परसेंट वो पेंशन वाली नौकरी आपको पेंशन मिल रही है और आप हमें मॉडल बढ़ा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अस्सलाम वालेकुम ख़वातिनो हजरात यार बहुत बहुत शुक्रिया आप पॉडकास्ट देखते हैं और यहाँ पर एनालिटिक्स में नंबर्स भी मेरे सामने हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं काफ़ी एंड तक पॉडकास्ट देखते हैं लेकिन एक जो अजीब चीज़ मुझे देखने को मिल रही है वो ये है कि आप में से सेवेंटी परसेंट लोग ऐसे हैं जो कि पॉडकास्ट तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे और सिर्फ 21 फ़ीसद वो आबादी है जो कि सब्सक्राइब कर देती है तो अब मेरा सवाल और मेरी आ, उसके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए मैं जानना चाहूँगा कि अव्वल तो आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं कोई गलती हमसे हो रही है तो हमें बता दें कमेंट सेक्शन में ताकि हम उसको सही कर लें दूसरा ये कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्रिप्शन से ये फ़ायदा होता है कि हमें अच्छे अच्छे और बड़े बड़े गेस्ट बुलाने में और उनको कन्वेंस करने में और उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने में आसानी होती है तो अभी रिसेंटली हमारी जो पॉडकास्ट गई हैं वो गेस्ट जो थे सिर्फ इसी वजह से आए थे कि हमारी जो चैनल की सब्सक्रिप्शन है वो बड़ी है तो वो आए अदरवाइज़ व साफ़ कह रहे थे कि सर हम किसी भी पॉडकास्ट में नहीं जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप पॉडकास्ट देखें तो आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ और जो भी वीडियो है अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएँ अगर पसंद आ रही है तो हमें लाइक के थ्रू बैठाएं उस वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये YouTube का एल्गोरिथम इसको रेलीवेंट लोगों को दिखाए और हमें आसानी हो अच्छे गेस्ट को बुलाने के लिए तो चलें आपका बहुत शुक्रिया सुनने के लिए और चलें अब चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ इजाज़ निसार साहब वेलकम टू द शो आप जो हैं सीईओ हैं एक सीईओ क्लब के <laughs> फाउंडर हैं बानी हैं और करेक्ट कीजिएगा मुझे यहाँ पर दो हज़ार ग्यारह में जब आपने अपना गवर्नमेंट का करियर दाव पे लगा दिया टाटा गुड बाय बाय उसके बाद आपने एक लीप ऑफ फ़ेथ लिया और ये जर्नी शुरू करी इससे पहले थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आप कौन हैं आपका एक अपना चैनल है आपका ये न्यूज़ लेटर आता है जिसमें पाकिस्तान भर के जो भी एग्जेक्टिवस होते हैं कॉर्पोरेट्स के इंटरप्राइजिस के वो आपके नेटवर्क पर हैं आपका एक मैगजीन निकलता है हर महीने जिसमें आप उनको कवर करते हैं आपकी टॉक्स होती हैं आपके डिनर्स होते हैं आपके मीटअप्स होते हैं बट ये स्टार्ट करने से पहले सी क्लब क्या कर रहे थे आप जिस तरह हमारी बैक स्टेज बात हो रही थी कि आप एक मुलाजिम थे और वो भी स्टेट बैंक के और आप नौकरी पेशा बंदा थे लेकिन एक नौकरी पेशा बंदा इतना लीप ऑफ फेथ लेकर के अपना सारा और उस वक्त आपके तीन बच्चे भी थे बाय द वे शादी भी हुई हुई थी एक इतना रिस्क लिया आपने और सब कुछ क्विट कर दिया तो वॉक मी थ्रू दैट जर्नी फर्स्ट बिजमिल्ल रहीम थैंक यू वेरी मच नहीं भाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी इस, इसकी बहुत शुक्रिया आपका आ, अगर मैं इसका मुख्तसर जवाब दूँ कि मैं क्या करता था और क्या करता हूँ अभी भी तो आईने बेचता हूँ अंदों के शहर में मैं शुरू से ही अल्लाह पाक ने मुझे तफरीक तो दी अर्ली लाइफ में माई फादर जो तिना अल्लाह के पास चले गए तो फिर उसके बाद ज़िंदगी की सारी भाग दौड़ अल्लाह पाकि बड़ा हो गया एकदम जब सर पे से आपका साया उठ जाता है बड़ों का फिर तो सारा शरीका रह जाता है तो एक तरह का ये एक रिएक्शन था एक शरारती सा बच्चा एक जिसने भी जिंदगी की अभी इतनी देखी जो बाप की उंगली पकड़ के जो दुनिया देखता है उसके सो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है बाप का कि मेरा बाप मेरे साथ है वो जब ख़त्म हो गया जो तो दुनिया की सच्चाइयों को रिश्तों को पुपी मामा चाचा नाना सब के रिश्ते समझ आ गए उनको एक निकट ट्रूथ हम जो बोलते हैं जब वो नज़र आ गई तो ज़िंदगी समझ आ गई तो मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी लाइफ का जो रोटी कमाने का जो स्किल था सबसे बड़ा स्किल मैंने हासिल कर दिया और वो था टीचिंग मैंने बच्चों को सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं में पढ़ाना शुरू कर दिया जैसे जैसे मैं ग्रो एक वक्त आया जब मैं खुद मास्टर्स कर रहा था मेरा पहला मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में था तो जब मैं मास्टर कर रहा था मेरी आधी क्लास मेरे से पढ़ती थी शाम को ट्यूशन <laughs> शेक्सपियर मैं पढ़ा रहा होता था क्योंकि तो इंग्लिश लैंग्वेज तो लोग मिल जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर का टीचर कोई नहीं मिलता तो मैं शेक्सपियर पढ़ाता था किंग लियर मैकबर हेमलेट बड़े बड़े राइटर्स पुड� पढ़ाता था वो पढ़ा पढ़ा कर मुझे मेरे अंदर जो है मेरे डी के अंदर ना वो जो टीचिंग ट्रेनिंग लर्निंग मैंटोरिंग कोचिंग काउंसलिंग, वो घुस गई वो क्या ये सारे रोल थे डिफरेंट कैप से कोई बच्चा आता था सर मेरा मैट्रिक नहीं पास हो रहा मेरी बी की अंग्रेज़ी फंस गई है मेरी मास्टर्स मैं करना चाह रहा हूँ फिर उसके बाद फिर अल्लाह पाक ने तोफी दिया मैंने फिर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम सिविल सर्विस का पास कर लिया अई वज मंग द टॉप टेन और पंजाब गवर्नमेंट में मैं आ गया पी ऑफिसर था उसके बाद फिर मैंने फेडरल का एग्ज़ाम पास कर लिया बैंकिंग कमीशन का वहाँ चला गया फिर मुझे एलोकेशन मेरी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में हो गई वहाँ से मैं सफ़र शुरू किया दूसरा मेरी जॉब थी वो पहली छोड़ दी दूसरी मिल गई क्योंकि वो फेडरल की थी पहली प्रोमेशनल गवर्नमेंट की थी फिर उधर से मैं जब पढ़ता पढ़ता मैं एग्जैक्टिव जो हो गया ना असिस्टेंट वाइस प्रेजिडेंट हो गया नेशनल बैंक पूरा पंजाब के आठ रीजन्स का मैं हेड ऑफ ट्रेनिंग था ट्रेनिंग को हेड करता था स्टाफ कॉलेज में आ गया नेशनल बैंक पहले मैं सारी जो बैंकिंग कोर बैंकिंग फ्लावला ब्रांच मैनेजरी सारे अफसरियाँ कर ली क्योंकि तो नेशनल बैंक का बहुत बड़ा दार पाकिस्तान का स्टेट विद इन स्टेट है और पूरा आप पंजाब था मेरे पास चार सौ ब्रांचें थी उसके बाद फिर अल्लाह ने कोर्स दिया बड़ा ख्वाब था कि बैंकिंग की जो दुनिया का बंदा होता है वो चाहता है मैं स्टेट बैंक में चला जाऊँ तो वन फाइन मॉर्निंग डॉन अखबार की इतनी आधा अखबार की एड थी कि उनको एक हेड ऑफ़ ट्रेनिंग चाहिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को तो मैंने अप्लाई कर दिया मेरा क्राइटेरिया पूरा हो रहा था बारह तेरह साल का एक्सपीरियंस मांगा था साथ एजुकेशन एम वो भी मैंने कर लिया आई बी एस एम बी ए भी कर लिया तो वो एक सिलेक्शन हो गई सारी तो उसका एक छोटा सा चीज़ शेयर करूँगा कि जब इतनी सीनियर पोजीशन इतना बड़ा पाकिस्तान का एक अदारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लोग खाब देखते हैं उसमें काम करने के लिए कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती हो जाए और मैं तो सीधे ही जम करके डायरेक्टर पोजीशन पे चला गया जैसे वो शाम सीढ़ी नहीं होती एकदम सीढ़ी मिलती तो बंदा ऊपर चला जाता है मेरे लिए ये साबित हुआ कि मुझे कॉल आ गई जब फाइनल जब मेरी सिलेक्शन के लिए उससे पहले जो फिल्टर होता है सारे पास हो गए तो आखिरी फाइनल कॉल थी और उसमें छः बंदे थे और कोई हार्वर्ड का कोई ऑक्सफर्ड का कोई बाहर से पढ़ा हुआ कोई स्टेट बैंक के लिए पी एच डी इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता था पी एच डी मेरे पास थी नहीं लेकिन एक्सपीरियंस मेरा क्योंकि पूरा था और बेसिक एजुकेशन मेरी उन्होंने एम बी ए मांगा था वो भी था मेरा पूरा था तो गवर्नर साहब जो उस वक्त यासी अनवर थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सॉरी दस बंदों की टीम बैठी हुई थी तो टांगें तो काम रही होती हैं जब मैं एंटर हुआ अपीर हुआ मेरा जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू था जो मेरा हुआ जॉब के लिए तो उन्होंने कहा एजहाज में से एजहाज़ वो जस्ट एक गोरा स्टाइल में वो कहते हैं आ, दिस इज सीनियर मैनेजमेंट पोजिशन इन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तो कैन यू शेयर विद आस द डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट mm. मैंने कहा सर इफ यू अलाउ मी सर टू तो शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंशियल डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट रादर दैन बुकिश डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट Because in each six minutes a new book on leadership and management is uploaded on Google's hmm. and thousands and thousands of books are written down on leadership and management. It's a very confusing uh, knowledge of leadership. क्योंकि पढ़ते-से Google से तो नहीं पता चलता ना एक अलग definition आ जाएगी तो आप कहेंगे कौनसी सही है कौनसी माउथबर है? कहते नहीं नहीं अपनी just experiential knowledge. मैं कहता हूँ I am a teacher, I have been teaching leadership and management. Uh, तो मैंने कहा सर बाकी सब अल्फाजी हैं कताबी बातें हैं जो विजन मिशन की कहानी है सारी कि एक विजन होता है एक CEO, एक लीडर का ये गोल होते हैं ये होते हैं मैंने कहा सब किताबी बातें लीडर का एक ही सर जॉब डिस्क्रिप्शन है सर वो क्या मैंने कहा सी लीडर्स मेक द डिसीजंस, लीडर मेक्स डिफिकल्ट डिसीजंस, लीडर टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द डिसीजंस एंड लीडर्स फेस द म्यूजिक ऑफ द एंड ऑफ द डे नहीं कि एक ही लाइन को मैंने चार ही में बोल दिया कि असल लीडरशिप होती है जो फैसले करना चाहती और मुश्किल फैसले करना चाहती और टाइमली फैसले करना चाहती और उन फैसलों की जिम्मेदारी लेते हैं और उसके जो नतज होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी भी लेते हैं किसी के ऊपर नहीं कहते कि मैंने फैसला किया तो गलत हो गया तो उसने कर दिया था जो कैप्टन हारता मैच हारता वो कहता है मैं हारा था ये नहीं कहता मेरी टीम के फिलहाल बंदे की वजह से मैं हार गया था और अगर वो जीता है तो उसकी कामयाबी उसकी टीम की होती है कि मेरी टीम जीती थी मैं नहीं जीता था चाहे उसी ने सेंचुरी करके मैच जिताया हो

जब स्टेट बैंक में काम किया तो तीन हज़ार एम्प्लॉइज ट्रेन की स्टेट बैंक के लाहौर से कराची से इस्लामाबाद से पिशावर तक मेरे पास था सारा सोलह ब्रांचें हैं उनके मैनेजर्स उनके सीनियर जो उनके डायरेक्टर डिप्यूटी डायरेक्टर सबको ट्रेनिंग दिया फिर बैंकिंग इंडस्ट्री को किया अल्लाह पाक ने तोल वहाँ से फिर एक विजन आया डेवलप किया मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस स्टेट बैंक का सबसे बड़ा दारा लर्निंग का वहाँ मैंने बहुत इज्जत कमाई और नाम कमाया फिर पॉइंट आ गया सैचुरेशन का कि एक फिल्म नई नई बनी थी उन दिनों में एक

तो एक दफ़ा दो दफ़ा क्लैपिंग स्टैंडिंग ऑफिशन बड़ी ईगो सेटिस्फाई होती है ना फिर मैंने कही यार इजाज़ तो अचानक वो मूवी देखी तो उसका डायलॉग मुझे न से वो रियल लाइफ मूवी है वो टाटा पे के किस पे बनी हुई है तो उसकी वो ना एक ऐतिहासिक बचा जाता है शहर से शहर से वो टर्की चला जाता है वहाँ जॉब करता है तीन साल में उसकी प्रमोशन हो जाती है उसको दोस्त ले जाता है टर्की वहाँ एक किसी गोरे की कंपनी में वो काम करता है जो मेन करेक्टर है उसको ना

वो तो आगे से कहता है थैंक यू वेरी मच दूसरे जेब से लेटर निकालता है सर दिस इज फॉर यू कहता है ये क्या दिस इज माई रेजिग्नेशन लेटर hmm. कहता है यूर प्रोमोटेड दिमाग खराब है यार तू साल हो गया मैं नहीं प्रमोट हुआ और तू तीन साल में प्रमोट हो गया गोरा तो तुझे खुश है तेरे से पड़ा कहते गोरा खुश यस इंप्लाई माई बेस्ट यस तुम क्या कहते हो तो यस जब मैं अपने लिए सारे कह रहे हैं कि आई एम द बेस्ट पार्ट बेस्ट इंप्लाई ऑफ दिस कंपनी तो जब सारे ने मुझे ये सन्नत दे दी ये लेटर नहीं मुझे चाहिए मुझे ये सर्टिफिकेशन चाहिए कि आई एम द बेस्ट तो फिर मैं अपने लिए काम करूँगा मैं किसी कंपनी के लिए क्यों करूँ बट आप जो थे समझ लें कि स्टेट बैंक भी नेशनल बैंक में भी आप ट्रेनिंग्स को लीड कर रहे थे एम्प्लॉज़ को ट्रेन कर रहे थे उनके समझ लें कि परफॉर्मेंस कोच हैं आप सही है जहाँ पर एम्प्लॉज स्टक होते हैं जहाँ पर भी इश्यूज आते हैं आप उनको वहाँ से निकाल लेते थे और उनको एम्पावर करते थे ग्रो करते थे नॉलेज वाइज इंफॉर्मेशन वाइज स्ट्रेटी वाइज इतना कुछ अचीव करने के बाद जबकि आप सही है देर इज़ दिस टाइम इन एवरीबडीज़ लाइफ जो आप भी बता रहे थे पैंतीस से ालिबा पैंतालीस के बीच में और कुछ लोग इसको मिड लाइफ क्राइसिस बोलते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी का असल में मकसद क्या है वट इज़ माई पर्पज़ इन लाइफ और बहुत सारे लोग इसको पैशन के साथ कन्फ्यूज़ कर, कर देते हैं जब वही वाली बात है कि पैशन असल में जाग होती ऑब्सेशन इज़ मेन थिंग राइट तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उस वक्त आपके पास क्या ऑप्शंस थे सही है मैंने जो बेस्ट अचीव करना था करा मेरे पास रेजिग्नेशन भी रेडी है बट मेरे ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है बट मैं क्या स्टार्ट करूँ क्या आपने पहले से वर्किंग करी हुई थी कि दो तीन चीज़ें हैं जिसमें इजाज़ एतमाद है जहाँ को उसके इतने कनेक्शन बन गए हैं उसके पास इतना सोशल कैपिटल है कि अगर वो जम करेगा तो देर इज़ दिस प्रॉबिलिटी ऑफ एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट कि ही विल बी सक्सेसफुल इन वट ही डज़ तो कोई ऑप्शन थे आपके पास क्योंकि ये 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 बड़ा ज़रूरी सवाल है जो देखने वाले इवन मेरे लिए भी राइट मैं अंधाधुंध किसी जो सक्सेसफुल काम चल रहा है उसको छोड़ दूँ तो सभी मुझे गाली देंगे और अगर मैंने खासकर आगे की वर्किंग भी ना की हो कि मैंने करना क्या सही है मैं बड़ा पैशनेट हूँ एक बुक लिखने के बारे में बट शायद मैंने उसको फुली रन नहीं किया शायद वो मेरा इंटरेस्ट है जिसको मैं गलत समझ रहा हूँ कि मेरी ये ऑब्सेशन है जो कि टाइम विल टेल के है भी या नहीं तो क्या ऑप्शन थे उस वक्त और कितनी वर्किंग थी उन ऑप्शन पे क्या आपने इतना आपका, बड़ा आपका, 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 आपका बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको मैं अब एड्रेस करने जा रहा हूँ जब मैं फाइनल जब डिसीजन कर रहा था बच्चे भी थे रात को मैंने एक महीना आधी रात कोट जाता था कि यार मैंने रेजिग्नेशन लिख तो लिया है इस पर साइन करने की हिम्मत नहीं पड़ रही सत्रह अठारह साल की लहस ही थी ना कोई अगले चार पाँच साल बाद में पेंशन मिलनी थी मुझे सरकारी सारी जिंदगी में बैठ के पेंशन खाता मेडिकल फ्री होता ट्रो वरना ये तो बहुत बड़ी पावर होती है कि सरकारी नौकरी छाड़ते वक्त तो बंदा मुश्किल अगर ये जी कोई ऑन्ट्रप्रनोर है या बिजनेस एम्पायर है कोई कोर नैरियो है लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं था मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ मैं आई में पढ़ाता था इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तो प्रसिजियस यूनिवर्सिटी जो पंजाब यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की और उसका पचास साल जिसमें रमीश राजा चौकत्रीन जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मेरे अलू हैं

शाम को एग्जैक्टिव एम करने आते हैं उसमें आर्मी के मेजर कर्नल्स इवन एक ब्रिगेडियर भी था और साथ अपना डिप्टी सेक्रेटरी कोई अडिशनल सेक्रटरी कोई प्राइवेट कंपनियों के जॉब्स करने वाले मैनेजर बैंकों के मैनेजर्स आए होते थे जो अपनी एमबीए करने के लिए वहाँ आई में आते थे अ फैकल्टी एक दिन आप जैसे बंदे ने मैं बड़ा जोर शोर से अंटरप्रनरशिप के हक़ में मतलब मॉडल बता रहा था कि ये भी मॉडल है ये भी मॉडल है एक नौजवान ने पूछा सर मे आस्क वन हम्बल क्वेश्चन सर कहा हम बड़ी याद तो पूछो बच्चे सर आप हमारे उस्ताद हैं पढ़ा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप सर आप खुद क्या करते हैं मैंने कहा जी मैं जॉब करता हूँ कहते सर ये तो खुला तसाद है आ, आप हम खुद नौकरी करते हैं वो भी सरकारी हंड्रेड परसेंट वो पेंशन वाली नौकरी, नौकरी। आपको पेंशन मिलनी है और आप हमें मॉडल बना रहे हैं एंटरप्रनोरशिप रिस्की हाउ टू बी एंजॉइंग क्योंकि आंटरप्रनोरशिप का मतलब है फ्रीडम टू चूज नौकरी में तो बंदा नौकर होता है mm -hmm. उसमें बॉस इज राइट और आंटरप्रनोरशिप uh, आप यू आर योर ओन बॉस आपका तो कोई बॉस है डिग्रेशन ही नहीं, नहीं। आपका कस्टमर ही से बॉस वो कस्टमर का आपको क्या पता नहीं जी आज मेरा मूड नहीं दुकान खोलने का इवन mm -hmm. आपकी बार बार जॉब है आपके दिल नहीं कर रहा आज दुकान खोलने कोई मर्जी आपकी ना खोलने आपकी तो भेटी की नहीं आपकी चाहती है की आप चले गए दुकान बंद करके चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा आदमी तो उसने मुझे पंच किया जी सर आप तो ऑन्टरप्रेन्योर है नहीं खुद नौकरी कर रहे हैं हमें आंट्रप्रेन्योर पढ़ा रहे हैं ये तो खुला था जहाद नहीं ये कि मैन बिजनेस प्लानिंग पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ कि यार कैश फ्लो कैसे मैनेज करनी है टीम कैसे मैनेज करनी है क्लाइंट कौन से हैं बिजनेस में कौन सी जो इश्यूज आते हैं आपका कैपिटल कहाँ से आना है इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से करनी है अपने इंटरेस्ट को कैसे देखना है मार्केट को कैसे रीड करना है कस्टमर आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है ये पांच जो वे, वेरिएबल होते हैं जिसको कनेक्ट करना होता है तो ऑंटरप्रीनोर बन जाता है आपका बिजनेस मॉडल आपका बेसिक आइडिया कॉन्सेप्ट आइडिया और और मैं बच्चों को पढ़ाता था कि मुझे पूछे थे सर वट इज आंटरप्रीनोरशिप मैंने किताबों में तो बड़ा लिखा हुआ रिस्क टेकर तो फ्लॉ टेकर मैं क्या कि किताबी बांधती हूँ मैं प्रैक्टिशनर था तो मैंने कहा जी एंटरप्रनोरशिप दो ही लफ्जों का नाम है क्या मैं क्या पाकिस्तान में इसको दूसरा नाम जुगाड़ कहते हैं Hmm. और दूसरा नाम आइडिया टू इन का नाम क्या है क्या बोला आइडिया टू इनवाइस कि जिसके पास आइडिया है लेकिन इनवाइस में तक नहीं पहुंचता आप अपने क्लाइंट को इनवाइस नहीं भेज सकते उस आइडिया की कि वो आइडिया प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके किसी शेल्फ में कपड़ा हो और उसके बाद उसकी इन्वाइस हो या सर्विस हो आपके पास कॉम्पिटेंस हो आप किसी को एक कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी सर्विसेज से कंसल्टेंसी से और उसके बाद उसकी इन्वाइस हो तो फिर आप एंटरप्रनोर है खाली बातें करने वाले जो मोटिवेशन स्पीकर को अनफोर्चुनेटली यही तो मसला है सिर्फ उनके पास आइडियाज होते हैं इन वॉइस तक नहीं पहुंच पाते कि उनकी टॉक के ऊपर कोई पांच लाख रुपए दे दे उनको नो no. तो दिस इज द पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट तो मैंने अपना एक बिजनेस प्लान बनाया अपना कि मैं का आज के बाद मैं किसी को सक्सेस फार्मूला नहीं पढ़ाऊंगा ए प्लस बी प्लस ती थी, तीन कामयाबी के सिक्योर आई स्टार्टेड स्टार्टेटिंग दीज फार्मूलास अपना डिफाइन करो क्योंकि हर इंसान की अपना यूनिक रेसिपी है किसी की रेसिपी से आप अपनी दूध पत्ती नहीं बना सकते आपके दूध पत्ती का टेस्ट आपका अपना ही है हालांकि वही इंग्रेडिएंट होते हैं वही दूध है वही पत्ती है वही पानी है लेकिन टेस्ट हर घर का आलू गोश्त लैदा होता है इसी सेम है तो मैंने कहा जहाज क्या है तो अपना बनाओ तो मैंने अपना बनाया मैंने छह महीने का एक प्लान बनाया अपनी कैश फ्लोस का मैं कुछ सात दफा फेल हुआ जी अपनी वो जो एक बैकिंग की एक डिग्री होती है डिप्लोमा कहते हैं बैंकिंग ना बैंकिंग उसका इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर का उसका थर्ड स्टेज पे जाके मैं फेल हो गया एडवांस अकाउंटिंग सब्जेक्ट में सात साल वो सात दफ़ा फेल होता रहा बाकी सब जगह में मेरी वो जो थे पास था एक सब्जेक्ट फंस गया उसकी बेसिस पे प्रमोशन होती थी आपको इनाम मिलता था फाइनेंशियल मेरा एक दोस्त था उसे काम मुझे पढ़ा दो यार आके घर में वैसे पैसे ले लो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था उसने पैसे तो नहीं लिए लेकिन मेरा दोस्त है उसने दो महीने आके मुझे ट्यूशन दी और उसमें क्या पढ़ाया उसने? कि कैसे की कसम खा के अगर किसी ने बनना है तो मोटिवेशनल स्पीकर के पीछे ना जाए किसी फाइनेंस वाले के पास बैठ के अपनी कैश फ्लो मैनेजमेंट की स्टेटमेंट बनानी सीख लेक्रेट hmm. क्योंकि लाइफ लाइन जो होती है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो पेपल्स होते हैं जिसने रिसीवेबल और पेपल्स को मैनेज कर लिया कैश फ्लोस को मैनेज कर लिया और खासकर जब रिसेशन हो जो इकोनॉमी में डिफिकल्ट टाइम चल रहा है होपलेसनेस एंड जॉबलेसनेस चल रही है ठीक है और इसकी वजह से आज की सेशन मुझे उम्मीद है कि होपलेसनेस जॉबलेसनेस क्या करती है स्ट्रॉन्गली मेंटल बना देती है क्या करती है मेंटल बना देती strongly, है स्ट्रॉन्गली नहीं नहीं स्ट्रॉन्गली स्ट्रांगली मेंटल और आज के सेशन के जो फार्मूले दो तीन मैं देख के जाऊंगा तजर्बे वो मेंटली स्ट्रांग बना देगी आ, क्लब की आपने कब रखी थी? ना, जब वो खत्म हो गया हाँ? छह महीने का प्रोजेक्ट किया ट्रेनिंग्स का, मैंने अपनी बना ली, लीडिंग एच के नाम से ओके. में एक दफ्तर खोला, सा, पैसे नहीं थे, जो पैसे थे मुझे मिले थे वो मेरे प्रोविडेंट फंड छोटा सा जो होता ना सरकारी हुँ. वो मेरी गाड़ी का फाइनेंस किया था उसमें एडजस्ट हो गया कहानी खत्म हो गई जेब खाली हो गई लेकिन छह महीने मैंने जो प्लान बनाया था उसका ये था मॉडल कि मैंने एक दफ्तर दोस्त से आप जैसा कोई दोस्त मिला उसने कहा मेरी एक शॉप पड़ी हुई है वेली पड़ी हुई है सिर्फ सर्विस चार्जेस जो भी होता है ना प्लाजा उसमें सर्विस चार्जेस देने पड़ते हैं वो तुम दे देना वो दस हज़ार आठ हज़ार रुपये सर्विस चार्जेस थे उसके स्क्यर फुट के हिसाब से होते हैं कुछ दो सौ दस स्क्र फुट का वो ऑफिस था उसके आठ से दस हज़ार सर्विस मैं कह यार चलो इतना तो अफोर्ड कर लूंगा रेंट नहीं मैं पे कर सकता हूँ नहीं कह रेंट भी नहीं इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज वो एक्चुअल बिल होगा तुम दे देना मैंने उसे छः महीने के लिए मुझे वो उसकी की दे दी चाबी उसको आज भी मैं सलूट करता हूँ

स्टूडेंट्स छोटी-छोटी हम प्रोग्राम्स कराते थे कोई मोटिवेशनल सेशन हो गए उसमें पाँच सौ से हज़ार रुपये की टिकट लगा दी कि आओ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सीखो और लीडरशिप स्किल्स सीखो आओ स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखो आओ कम्युनिकेशन स्किल्स सीखो क्योंकि हर बच्चे को कम्युनिकेशन का इशू होता है तो हमने क्योंकि अंग्रेजी अदब मेरा सब्जेक्ट था

प्लेट में रखकर मुझे अलफला बैंक कहता था आप हेड ऑफ एच आ जाएं आप हेड ऑफ ट्रेनिंग आ जाएं पांच लाख सैलरी ले लें जब मैं स्टेट बैंक छोड़ा उस वक्त मेरी दो ढाई लाख सैलरी थी दो हजार दस की बात कर रहा हूं तो और साथ मुझे सरकारी गाड़ी मिली भी थी रेजिडेंस मिली भी थी सबस नंबर प्लेट वाली जो गाड़ी मिली मुझे मुझे दो दिन नींद नहीं आई कि मेरे पास भी नंबर वाली गाड़ी आ गई तो वो एक वो बड़ा एक लेकिन उससे नीचे उतरना बड़ा मुश्किल था वो एक एडिक्शन हो जाती है ये अथॉरिटी तो की और ये अब मैं आज भी किसी बैंक में अंदर चला जो ना ब्रांच के अंदर अपना बिजली का बिल जमा कराना या कोई कोई भी होना है वो ब्रांच का मैनेजर आज भी खड़ा हो जाता उठ के जो मुझे जानता है स्टेट बैंक का बंदा आ गया थानेदारी थाने तो वो एक अल्लाह इज्जत दी बड़ी कमिंग टू टू योर पॉइंट तो वो मैंने जो छह महीने गुजारे मुझे पांच चार अच्छी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए ट्रेनिंग्स के तो कैश फ्लो मेरी क्या हो गई पॉजिटिव होनी शुरू हो गई जेब में पैसे आने शुरू हो गए मैं एक सेशन कराता था मेरा जो पैशन की जो आपने लफज बोला मेरा सेशन से ज्यादा क्योंकि मैंने बताया ना सेवन आठवीं दसवीं जमात ही जो मैंने अर्निंग करना शुरू कर दी हुई थी तो वो एक मेरा मेरा तो मेरा तो जैसे क्रिकेट खेलता है एक पेंटर पेंटिंग करता है एक सिंगर म्यूजिशियन सिंगिंग कर रहा है तो उसको आप पैसे भी मिल रहे हो और उसका शौक भी पूरा हो रहा हो पर्नॉड शॉ में अंग्रेजी अदम एक पढ़ता था मिलियन एक एक उसका वो जॉर्ज प्रनोड शॉ की किताब है ड्रामा है जैसे शेक्सपियर के हेमलेट किंग लियर है तो उसके अंदर उसकी एक लाइन है बड़ी प्यारी वो लाइन मेरी मुझे मेरे दिल को ना मोटिवेट करती थी उसे किसी ने पूछा कि हु इज़ हैप्पी पर्सन इंटरोगेटिव साइन वो एक प्रोफेसर रिजन होता है वो एक फ्लावर गर्ल होती है जो जमीनी होती है जैसे हमारे कूड़ा उठाने वाली बच्ची होती हैं उस लड़की पर शर्ट लगा लेता है कि इस बच्ची को अगर मैं फोनीटिक्स सिखा दूँ यानी कि लैंग्वेज स्किल्स तो ये बच्ची को मैं प्रिंसेस बनाऊँ उसको ड्रेस कोड ठीक कर दूँ तो उसको महद्र सिखा दूँ जिसको मैं जो ऊपर वाली एलिट क्लास में भेज दूंगा मैं वो की कहानी जी जी वही है वो बाद में बनी मूवी लेकिन मेन तो जॉर्ड की कहानी है उसका नाम है पिक मिलियन का अंग्रेजी का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट है चेंज मैनेजमेंट का उसका नाम भी पिक डिपार्टमेंट है उसी से ड्राइव किया उन्होंने वो हार्वर्ड ने जो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर तो उसके ऊपर ना लाइन क्या थी हु इज हैप्पी पर्सन प्रोफेसर होता है ना लोगों को जिंदगी बदलता है ट्रांसफॉर्मेशन करता है उनकी कहता है यार इस बच्ची को कह उसका जो कर्नल दोस्त होता है कहता नहीं तुम झूठ बोल रहे कहता नहीं लगा लो वो लगा लो वहां से सवाल पूछता है बैठे होते हैं दोनों दोस्त कप्पे लगा रहे होते हैं एक कैफे में बैठ के हुए कहते हैं कि हैप्पीज अ मैन हु अर्नस हिज लाइवलीहुड थ्रू हिज हॉबी दिस इज द सीक्रेट ऑफ लाइफ कि वो बंदा जो बंदे का हॉबी है जिसमें दिल है शौक है क्रिकेट है म्यूजिक है राइटिंग है पोइट्री है सिंगिंग है सो प्रोफेशंस में बता सकता हूँ और ये हॉबी क्या है इसका विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता लगता है कि किस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो या ये पैशन की तरफ तरह होता है हाउ कैन यू डिफाइन बड़ा सिंपल मॉडल है।, है ये आज मेरे पास पेंसिल नहीं है मैं आपको टीचर मैं आपको मॉडल ड्रा कर सकता हूँ ये कब डिस्कवर होता है इसको जो हारी विंडो कहते हैं जे ओ जो हारी विंडो ये आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा ये जो और हारी दो प्रोफेसर थे एक साइकोलॉजिस्ट था एक साइंटिस्ट था दोनों ने मिलकर ये मॉडल बनाया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जिसके अंदर उन्होंने बताया कि इंसान की पर्सनैलिटी के चार विंडोज होती हैं विंडो नहीं होती खिड़कियाँ होती है चार yes. उसके शीशे होते हैं ग्लासेस क्वाड्रेंट्स होते, होते हैं क्वाड्रेंट्स होते हैं तो क्वाड्रेंट वन में कहते हैं एक ट्वेंटी नंबर नंबर दे देते हैं पहला क्या है जी कि वो चीज़ें जो मैं भी जानता हूँ जो आप भी जानते हैं जाज निसार के बारे में mm -hmm. नईम सिकंदर के बारे में कितने परसेंट है जी कि जाज निसार सी क्लब का प्रेजिडेंट है जासूआ है ठीक है कुछ मैं आपके पास जो मैं और आपके दोनों में कॉमन जो एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग है अवेयरनेस है नॉलेज है वो क्या है जी पार्ट वन पार्ट टू क्या है जी विंडो टू वार्डन टू उसके अंदर क्या होता है कि जो चीजें मैं जानता हूं लेकिन आप नहीं जानते hmm. कि मेरे कितने दोस्त हैं मेरे ठीक है और मेरे कितने बिजनेसेस हैं मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं आपको तो नहीं पता ट्रू ये हो गया दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट हो गया जो आप जानते हैं लेकिन मैं नहीं जानता मेरे बारे में मसाल मेरा एटीट्यूड नेगेटिव है पर मुझे नहीं पता होता नाइन लोगों को बंदों का नहीं नहीं पता ही नहीं ऊपर पता होता। होता। से बड़ा मीट है लेकिन है चौथा पार्ट है। जो है मैं जानता हूं जो ना आप जानते वो हिडन पार्ट है जैसे अमिताभ बच्चन जाता है फिल्म का एक्टर बनने के लिए तो उसको लंबू कहकर लंबा कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है मोहम्मद अली जाता है सिंगर बनने वो कहता नहीं तू सिंगर हो नहीं नदीम जाता है जितने बड़े शाहरुख है किसी को कोई एक्टर बनने का शौक़ नहीं था बाद में वो पता चला वो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर होता है कहता है इसके अंदर तो एक एक्टर छुपा हुआ है ये एक्टर के अंदर एक सिंगर छुपा हुआ है किशोर कुमार कितना बड़ा सिंगर है वो एक्टर के तौर तो पर आया था लेकिन कह तू एक्टर नहीं जल सकता यू आर ए गुड सिंगर उसके बाद वो 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 लेजेंड बन गया तो जो लेजेंड छुपा होता है ना वो हीरे को हीरा नहीं जानता जौहरी जानता है Hmm. उसका मैंटोर हो सकता है उसके टीचर हो सकता है उसका कुछ दोस्त हो सकता है रॉकी फिल्म का आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट मूवीज है रॉकी वन टू थ्री फोर फाइव आपको पता ना उस मूवी की बेसिस क्या होती कि उसने खुद स्क्रिप्ट लिखा और चला के अपने प्रोड्यूसर के मैंने फिल्म बनानी है कहता है, इतना दमा खराब है और कहता है, मैं भी एक्टर हूंगा उसमें हालांकि उसको को भी एक्टिंग का पता भी नहीं था लेकिन जब वो मूवी बनी उसने कुत्ता बेच दिया अपना पता ना चंद डॉलर्स में उसके रोटी खाने को उसकी बीवी छोड़ गई ये रियल मूवी है और उसके बाद मेरी फेवरेट है ये रॉकी वन टू थ्री इसकी सीरीज है बॉक्सिंग की जो दुनिया में आता है वो उसके एक दिन वो जब जो जो फिल्म करता है बड़ी मुश्किल से जो फिल्म करता है उसके बाद वो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री फिर वो लेजेंड बन गया हर बड़े लेजेंड की आपको स्टोरी मिलेगी मोरल से क्योंकि हर बंदे की स्टोरी जो होती ना उस स्टोरी को नाम है नहीं भाई पेन एंड प्राइड स्टोरी क्या बोला पेन एंड प्राइड प्राइट कि जिंदगी का हर बंदे का पहला हिस्सा पेन वाला होता है

दे अपेरेंटली हेयर टीचिंग लेकिन जब वो सेशन में एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हैं कहते तो यार यारे तो बड़ा मजे का काम ही कोई नहीं आप mm. भी पता होगा कई बंदे होते हैं एंट्रप्रनोड के पास वैसे भी टाइम नहीं होता पढ़ाने का लेकिन मैंने कई ऐसे आंट्रप्रनोड देखे हैं अपना नौकरी छोड़ के अपना बिजनेस का टाइम निकाल के बच्चों को पढ़ाने आते हैं mm. क्यों क्योंकि उनको पता चलता है यार ये काम में एक जो आप किसी को हेल्प करते हैं टू ग्रो ये आता है वो जो स्टीवन कॉफी की किताब है सेमन हैबिट्स वो जब उसकी आखिरी जब मरने लगा ना उसने एर्थ हैबिट लिखी पता है ना सेवन हैबिट तो सारे जानते हैं लेकिन मैं अक्सर लोगों से सवाल पूछता हूँ एट हैबिट की फिलोसफी क्या है ये सेवन हैबिट सबको पता है जी प्रोएक्टिव हो जो बिगन विद एंड इन माइंड है नो योर बी अंडरस्टूड ये पांच सात हैबिट्स हैं चार पंद्रह साल ठीक है जी ये उसकी सारी के सेवन हैबिट्स हैं मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ नाइनटी नाइन परसेंट जो बुक रीडर भी हैं उन्होंने एटथ हैबिट नहीं पढ़ी होती मैंने का, असल किताब उसकी वो है और वो स्टीवन कॉफी ने बताया कहता यार आई आई है राइट दिस बुक फॉर मेकिंग मनी वो कि मैं बहुत अमीर हो चुका हुआ था मेरी मिलियंस बुक बुक चुकी हुई थी और मेरे पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ चुके हुए थे तो मुझे लालच नहीं था कि मैं कोई पैसे कमाऊं फिर मैंने आखिरी किताब अपने दिल से लिखी उसका नाम था और एर्थ का नाम क्या है लिविंग द लेगेसी क्या बोला लिविंग द लेगेसी उसका कॉन्सेप्ट क्या है पूरी एर्थ हेबिट का कि जिंदगी के तीन स्टेप्स हैं तीन स्टेजेस हैं फर्स्ट लर्न देन अर्न देन रिटर्न तो जिंदगी में बड़े खुशनसीब लोग होते हैं पैसा कमाना हर बंदा चाहता है सीखना भी हर कोई चाहता है लेकिन सर रिटर्न कोई कोई करके चाहता है दुनिया को जब वो मर जाता है दुनिया से कोविड में कैसे जब खोलते थे फेसबुक का पेज या लिंक इन का इन्ना लाभ है रोज इतने बंदे हाथों से जा रहे थे दो कल की बात है तो डर लगता था अब पता नहीं कल मेरी बारी आ जाए कल आपकी बारी आ जाए तो कहते लिविंग द लैक कि जो आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह अल्लाह ने आपको तोफीक दिया आपके अच्छा काम जब चढ़ जाएगा यूट्यूब अगर ना किसी ने हैक हो जाए या कुछ डिलीट हो जाए कंटेंट मोइन भी कोई हैकर आ जाए जा रहे यूट्यूब का कंटेंट ही <laughs> आपने कहा जी नहीं वो नहीं जाया होगा लेकिन यहाँ तो सब कुछ मुमकिन है।, <laughs> है अगले तो बड़े बड़े मुल्कों की वेबसाइट आई है हैक कर लेते तो वो एक एक वो एक ऐसा काम लिविंग द लेगेसी है ये तो सर वो जिंदगी के अंदर जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जो इकबाल का ऑफ खुदी से बेखुदी का है जो मैसलो की थ्योरी ऑफ सेल्फ है वो यही है लिविंग द लेगेसी कि आप जिंदगी में कोई एक पौधा लगा जाए तीन काम जरूर करने जाए मरने से पहले एक शगिर्द बना के जाए अपना चाहे वो बेटा हो या कुछ हो जिसको सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं सेकेंड नंबर पे कोई किताब लिख के जाए या थर्ड नंबर पे कोई दरख्त लगा के जाए पौधा लगाए जाए आपने अपनी जो सी क्लब का कंसल्टेंसी से आगाज़ किया आप लीडरशिप पे साइकोलॉजी पे स्ट्रेटजी पर ट्रेनिंग्स दे रहे हैं बट ये कब डिसाइड किया कि यार सही है ट्रेनिंग्स तो दे रहा हूँ अफ़लाह भी बुला रहा है एच भी बुला रहा है सारे अच्छे कॉर्पोरेट्स बुला रहे हैं बिकॉज एक क्रेडिबिलिटी बनी हुई है एक, एक स्टेट बैंक की वजह से नेशनल बैंक की वजह से बट मैं ये समझता हूँ कि यार अब इन कॉरपोरेट्स के सी जो कि डिसीजन मेकरस हैं जे लीडर्स हैं इनको भी एक बोर्ड पर लाया जाए और प्रॉपर मीटअप्स कराए जाएं, डिस्कशंस करी जाएं, इनको भी एक मौका दिया जाए आपस में कोलेबरेट करने का और इनकी स्टोरीज भी आवाम के सामने रखी जाए बिकॉज ये हमारे वो बोलते नहीं अनसंग हीरोज़ हैं इसी से आपकी नई नस्ल सीखेगी और जिसका जहां पे इंटरेस्ट होगा वहां पर वो जाएगा मैं जब खुद आई से एम कर रहा था तो चौबीस सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं मार्केटिंग फाइनेंस एच मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बुला तो मैं अपने टीचर से एक सवाल करता था सर आप हमें जो की स्टडीज पढ़ा रहे हैं इसमें से जो आपने मतलब कोई सब्जेक्ट पढ़ाया मैनेजमेंट पढ़ा, पढ़ा एचआर पढ़ा आप एचआर की किस स्टडी पढ़ा रहे हैं मैनेजमेंट की कोई लीडरशिप की किस स्टडी पढ़ा रहे हैं तो सारी के स्टडी बिल गेट्स के गिर्द घूम रही है स्टीव जॉब के गिर्द घूम रही है के एफ सी के गिर्द घूम रही है माइक्रोसॉफ्ट के गिर्द घूम रही हैं सर खुदा के वास्ते पाकिस्तान की कोई स्टडी नहीं है पावर पॉइंट्स स्लाइड हैं सर मुझे घर जाके मैं घर जाके पढ़ लूंगा गूगल से पढ़ लूंगा तो टीचर के पास कोई जवाब ये आपको मैं आज आप इस सवाल का बेसिस बता रहा हूँ तो मुझे तकलीफ़ हुई कि यार क्या पाकिस्तान में 24-25 करोड़ का मुल्क है क्या क्या इतने भी पाकिस्तान में लोग नहीं कि के इनकी केस स्टडीज़ पढ़ाई जाए कि हम इतने नालाइक हैं कि बिल मिट्टल टाटा बिरला की अगर केस स्टडीज़ पढ़ाई जाती हैं हार्वर्ड में और हार्वर्ड के अंदर दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में बिल गेट्स स्टीव जॉब्स को डॉक्टरेट की डिग्रियाँ दी जाती हैं उनके ऊपर केस स्टडीज लिखे जाते हैं उनकी बायोग्राफीज ऑटोबायोग्राफीज तो मैंने जब गूगल किया आज मैं आपको गारंटी देता हूँ आप गूगल करें आज भी पाकिस्तान में कह ने जाल है आज भी पाकिस्तान में किसी एक काम के बंदे की एक भी केस स्टडी आपको पाकिस्तान के नहीं मिलेगी स्वाजाज इजाज निसार के ये वाला जो इजाज निसार काम कर रहा है मेरा सबसे बड़ा जो लिविंग द लेगेसी और प्राइड है कि मेरी जो किताबें हैं पाकिस्तान की टॉप ट्वेंटी यूनिवर्सिटीज़ में उनके सिलेबस में कॉम्प्लीमेंट्री किताबों के तौर पर पढ़ाई जाती हैं में और लीडरशिप में कोई ना चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कोई एक राइटर बता दी जो पाकिस्तान की एम बी ए बीबीए प्रोग्राम में जाता है बिजनेस की की बुक्स hmm. बात कर रहा शायरी की किताबों की बात नहीं कर रहा so बता, ना yeah. ना नाम बताए ना किसी राइटर का किताब का नाम पच्चीस सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और सारी हावर्ड की किताबें हैं कुछ इंडियंस की आ चुकी हैं बिल्कुल मार्केटिंग के ऊपर कॉटलर पढ़ाया जाता है कोई फिलप कॉटलर है कोई फ्ला है कोई पीटर ट्रकर है कोई विलियम है एंथनी रॉबिसन मतलब सारी पढ़ाई जाती है किताबें कोई पाकिस्तानी यार कोई है ही कोई नहीं इसका बल इतना बड़ा मुल्क है यार इसलिए तो मैंने तकलीफ हुई कि जब मरदम शुमारी करेंगे तो पच्चीस करोड़ मिलेंगे मरदम शनासी करेंगे पच्चीस भी नहीं मिलेंगे hmm. ये कहते रिजाल है मर्दों का कहत है तो फिर वो आइडिया आया कि जहाज पैंड डाउन दी स्टोरीज आने वाली जनरेशन के लिए ये भी लिविंग द लेगसी है क्या बोला जब जब रिसेशन हो तो कैश इज किंग hmm. जब नॉलेज का कहत हो इंटेलेक्चुअल कहत हो तो नॉलेज इज और कंटेंट इज किंग ंट्रोल सीवी की ऐसी आदत पड़ी कि हमारा थिंकिंग ही उड़ गई यार एक लाइन बच्चा पढ़ के एम बी बी पढ़ के एक लाइन अंग्रेजी की सीधी लिख सकता ना उर्दू में लिख सकता किसी को लिखना ही आप भूल गया इस लोगों को सारा रोमन इंग्लिश इतनी आम हो गई कि लोगों को मुश्किल हो गई राइटिंग करना यार कमिंग टू द अगेन जो फिर मैंने क्या किया स्टार्ट किया और मजे की बात तो तीन तीन घंटे वेट करना पड़ता था सी के बाहर वेटिंग रूम में वो समझता था कि अखबार नुमाइंदा आ गया अखबारों के जो जर्नलिस्ट है नुमाइंदों ने इतना इमेज खराब किया हुआ था

Uh, मैं जाता था सीयोग के बाद दो दो घंटे वेट करता था उसको पहले क्वेश्चनर फिर मैंने हार्वर्ड से उनकी किताब आता है मैगजीन आता है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू उसके अंदर से मैंने क्वेश्चनर डिज़ाइन किया उसकी के पी एच बनाए थर्टी फाइव वेरिएबल्स मैं खुद को कैम फिल किया हुआ था रिसर्च में मैंने पढ़ा हुआ था अपना पब्लिक पॉलिसी में ना पंजाब यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से तो वहाँ से मैंने एक ना रिसर्च मैथडोलॉजी सीखा क्वालिटेटिव रिसर्च जिसके अंदर मैंने देखा कि किसी भी चीज़ को मेजर कैसे किया जाता है क्वालिटेटिवली एंड क्वान्टिटेटिवली तो क्वांटिटेटिवली पाकिस्तान में हो नहीं सकती रिसर्च क्योंकि डेटा मिलता नहीं है सही True. किसी भी कंपनी के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा कि मेरी बताया कितने मेरा प्रॉफिट कितना नो बॉडी बड़ा चैलेंज था क्योंकि डेटा अगर होता भी था तो इरोनियस होता था रॉन्ग डेटा होता था रॉन्ग डेटा भी आप कंक्लूजन कुछ नहीं कर सकते तो मैंने क्वालिटेटिव रिसर्च मैथडोलॉजी अडॉप्ट की अपनी की बुक के लिए उसकी किताब की पूरी मैंने ना के पी को ना कन्वर्ट किया कंपनीज एंड जो हार्वर्ड से मैंने ड्राइव करके उसको कस्टमाइज करके इंडिजनाइज किया यानी कि लोकलाइज किया कि मैंने पाकिस्तान के बंदों की चार क्वेश्चन के थर्टी फाइव वेरिएबल्स हैं क्वेश्चन से उनको मैंने लेके आया कि विजन मिशन से लेकर ठीक है उसकी कोर वैल्यूज क्या है उसका उसके एचआर स्ट्रैटेजी बिजनेस स्ट्रैटेजी उसका सी एस आर स्ट्रैटेजी उसकी उसकी ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी कोचिंग स्ट्रैटेजी बिजनेस की नेक्स्ट फाइव ईयर्स की ग्रोथ स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी क्या है फिर उसके बाद पर्सनल स्ट्रैटेजी पर्सनल ग्रोथ लीडरशिप मैनेजमेंट सक्सेस कौन सी किताबें से यूज पढ़ते हैं ठीक वो एक मैंने क्वेश्चन द्वाल, डेवलप करके हावर्ड से जो कि मैंने मैंने बताया ना मैंने सोर्स भी लिखा अपनी किताब में ठीक है फिर मैंने उसका क्राइटेरिया बनाया कि इस किताब के सिलेक्शन करने के लिए सी को क्या क्राइटेरिया है वो तीन क्राइटेरिया डिफाइन किए थे तो बेसिकली आपने स्टार्ट करा था कि इन पर एक मैगजीन या बुकलेट टाइप बनाई पहले जब... मैगजीन आया मैगजीन उस मैगजीन में मैंने दो दो से तीन सीओ की स्टोरीज में लिखता था उनको इंटरव्यू करता था मैं क्योंकि उस वक्त मोबाइल ये उस वक्त कैमरे शैमरे यूट्यूब अभी नहीं आया था तो वो मैंने ना वो अपनी अपनी रिकॉर्डिंग से ना एक रिकॉर्डर होता था मेरे पास वॉइस रिकॉर्डर उसे रिकॉर्डिंग करके ट्रांसक्राइब करता था उसके बाद उनके साथ वेट करवाता था कि सर कहीं क्योंकि सी से कहीं गलती ना ये बुक अगर ये मैगजीन अगर आप जरा मुझे दिखा सकें इसमें बेसिकली जो सी हैं तो आप

इंटरेस्टिंग दो हजार में आपकी आई थी 100 बिजनेस लीडर्स शुरू yes. हो गई इस, इसकी सीरीज शुरू हो गई जो कि चल रही 2015 और फिर आपका 2016 में आता है 100 बेस्ट परफॉर्मर परफॉर्मिंग सीईओस

पास यूनिवर्सिटी नहीं आप इस्लामाबाद की yes. इसकी डीन है डॉक्टर सायवा mm -hmm. वो हर दफा साल करके मुझसे किताबें मंगवाती मुझ हैं अपने बच्चों को कहती हैं हर सीओ को पकड़ के इस पे केस स्टडी लिखो इंटरेस्टिंग और ये मेरा प्रोग्राम है कॉफी भी सीओ बड़ा रेगुलर और, प्रोग्राम नॉर्मली आपको कितना टाइम लग जाता था जब आप एक सीओस एक तो आपने 2-3 घंटे वेट किया फिर आप बैठते थे, थे जाहिर लिखना फिर वेट कराना

कौन है ये लोग किस तरह सोचते हैं प्रोसेसेस के बारे में बिकॉज डिसीजन मेकिंग इज देयर मेन थिंग बट इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन राइट देर नीड टू बी समथिंग वेरी शार्प हेयर टू मेक श्योर के जो डिसीजन आप लेने जा रहे हो दैट विल मेक यू अ दैट विल मेक यू प्रॉफिट एंड डज नॉट कास्ट अ डिजास्टर बिकॉज यू आर रनिंग अ बिग कॉरपोरेट और एंटरप्राइज सो दो हजार लोग मातहत हैं आपके एक है, एक एक टीम है यू हैव टू प्रोवाइड फॉर देम सर मैं आपको छोटा सा पर्सनल एक इंसिडेंट शेयर करता यही आपने सवाल पूछा मैंने पाकिस्तान के ना जितने भी जॉइंट्स हैं बिजनेस के सभी को कवर किया नाइनटी नाइन परसेंट कवर हो चुके हैं अब तो मेरा अपना सेचुरेशन पॉइंट आ गया इसलिए मैंने लंडन स्विट्जरलैंड हॉलैंड जर्मनी दुबई सऊदी अरब में चैप्टर खोल दिए और उसके उनके पाकिस्तानी जो डाइजोरा बाहर काम कर करा जो कि अनसंग जिनको जानते ही कोई नहीं है हमारे सुहेल हैं कभी कभी एक बाहर से आकर इंटरव्यू कर लेते हैं ना किसी का सर मैंने जो मैया मंझा का इंट्रो करने गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा नंबर वन लीगली एथिकली जो बिलियनियर है जिसकी सिक्स बिलियन से सेवन बिलियन डॉलर की वर्थ है फाइनेंशियल मतलब टॉप रिचेस्ट मैन उसकी सोलह कंपनीज हैं एदम जी एम सी बी निशात ठीक है मतलब एम्पोरियम जात प्रॉपर्टीज हाँ, बड़ा उसकी बड़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है।, है अच्छा मंशा साहब से मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम लिया एक साल लगा मुझे टाइम लेने मंशा आई गॉट के वो लोगों के मैंने किए जो कि पाकिस्तान में किसी मीडिया में नहीं आते किसी पॉडकास्ट में नहीं आते किसी चैनल पर नहीं आते ना किसी पाकिस्तानी लोकल मीडिया में फोर्ब्स में मंशा छापा था एक दफा पब्लिश हुआ था तो अदरवाइज ये वो आते नहीं लोकल मीडिया में ना तो मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम लिया कंसेंटली और एक जो भी बंदा बड़ा था उसको मैंने एक कॉज सेल किया नोट इंटरव्यू नो फोटोशूट कहते अगर मैं कन्विंस कर कि वाई वी शुड गो फॉर द इंटरव्यू मैंने कहा सर इसका एक ही हैवि की हैबिट वही मेरी जो <laughs> उसने मरने से पहले किताब लिखी उसका नाम था लिविंग द दैगसी सर आपके पास जो इल्म है आपका तजुर्बा है पचास साल का एम का निषाद का ये का सर बुरा ना मानिए मुझे थोड़ा सा मैं बलंट हूँ सर ये सारा तजुर्बा ना कब्रस्तान में कीड़े खा जाते हैं hmm. उन कीड़ों से बचाने से पहले मैं लिखना चाहता उठाए आपको दुआएं देंगी वेरी था जुम्मन किसी भी ऐसे बंदे को कह दो तो ये उसके दिल पर जा लगेगी यार मैं, मैं right. मुझे बताएं कौन सी किताब पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है सर फास्ट में चले जाइए नस में चले जाइए आपके भाई की किताब पढ़ी जाती है वहां hmm. मैं आपको एक छोटी सी बात दिस इज माई सेंस ऑफ प्राइड इसलिए मुझे इस काम से इश्क हो गया अपने इस किताब से वो ना दो तीन एडिशन के बाद लोग भाग जाते हैं hmm. ठीक है ना और एक ट्रेड पूछा ना आपने का एक ट्रेड बताओ जैसे छोटा सीओ यस बड़ा सी hmm. yes. होता है ना काम कामयाब हो जाता है सर पहला था उसको कहते हैं डीट होना अंग्रेजी में उसको कहते हैं नेवर गिव अप

जितनी कंसिस्टेंट जो काम करते हैं हफ्ते बाद बदल जाता है मूड उनका मूड स्विंग्स में चलता है पूरा पाकिस्तान सुबह और होती है स्टेट ऑफ माइंड शाम को और होती है मेरा दोस्त जो कि सिविल जज था मेरे साथ ही उसने कॉम्पिटिशन पास किया था जो सेशन जज बन गया वो फैमिली कोर्ट का था पता है मैं आजकल सोसाइटी में कितना बखी उतर गई है तो मैंने पूछा इतनी डाइफोर्स क्यों गई यार जिंदगी में जो पिछले पांच साल में हुई ना आपको पता नहीं पिछले पच्चीस साल में इतनी डाइफोर्स नहीं हुई ट्वेंटी फाइव ईयर्स में जितनी पिछले पांच साल और नंबर वन रीजन पता क्या है फाइनेंशियल्स के अलावा जो पैसे नहीं है जी रोली रोटी कहता जी लड़की कहती है अब शादियों में ना होने के बाद तलाकी नहीं हो रही है, उलाज हो रहे हैं और नंबर वन वजह क्या मैं बोर हो गई हूँ बोर हो गई हूँ बोर हो गया हूँ मुझे शक्ल अच्छी नहीं लगती कंपेटिबिलिटी नहीं है माइंड की ना पहले हमारी माए चाचियाँ बूपिया नानिया ने जिंदगी दी यार ये चीजें कह रही होती थी ये माइंड कंपेटिबिलिटी वो कहती थी बस यार अल्लाह का हुक्म है जहां शादी है जिंदगी गुजारनी खिदमत करनी है आजकल कर मैं ट्रेनिंग करा रहा हूं एक सब्जेक्ट थोड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है उसका टॉपिक पता क्या है ये हैरेसमेंट नहीं है ये तो बकवास सब्जेक्ट है इसको तो वैसे ही नहीं मानता मैं ये गौरव ने हमारे दिमाग में डाला हुआ है ठीक है जी मैं सब्जेक्ट पर ट्रेनिंग करा रहा हूँ कि जो आजकल खातन जो वुमे इंपावर्ड हो गई हैं जो फाइनेंशियल लोगों ने जो एम्पावरमेंट की बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की हम बात करते हैं खासकर खुवान की तो इतनी खातन माशाल्लाह जॉब कर रही हैं एम करके डॉक्टर इंजीनियर सेवेंटी परसेंट हायर एजुकेशन में फीमेल्स हैं और वर्क प्लेस में भी उसी तादाद में आ रही हैं ठीक हो गया मैं डर रहा हूँ मैं ट्रेनिंग शुरू सेशन कराता हूँ नई नस्ल को बच्चों को जिसमें एक मेल को ट्रेनिंग कराता हूँ कि हाउ टू हैंडल एम्पावर्ड वुमेन नहीं तो अपना घर ना बर्बाद कर लेना नहीं बट आप कह रहे हैं कि वाला चक्कर जो है ये बड़ा वो है बकवास है या सर, मैं बता होता नहीं है क्या सर होता है सर रहता हूं, अमीर आदमी को हेरासमेंट नहीं कहते हैं जैसे गरीब आदमी शक्ल उसकी अगर काले रंग है ना उसको चॉकलेटी हीरो बोलते हैं अगर वो अमीर है चॉकलेट ही कहते हैं गरीब तो है तो वो कल्लू बोलते हैं ये सारा जो ना डबल माइंडेडनेस है ये सोसाइटी की अपने पैराडाइम्स हैं मैं मैं आपको क्लियर करता इसकी तरफ तरफ आ आ रहा हूं, की आ रहा हूं। ये सोशल तो आप भी कहने का मतलब तो नहीं, 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 तो नहीं, नहीं, नहीं उठाता लेकिन शायद अगर कोई मुलाजिम वगैरह कर दे जिसको बड़ा मशहूर डायलॉग था कि मर्द की बदसूरती उसकी खाली जेब है हाँ बदसूरती हाँ, खाली खाली सर की तरफ आ जाते हैं कि के ऊपर ना मेरी जो रिसर्च आर किया मैंने बारह बारा साल तो सीयूस के ऊपर जो सबसे बड़ा जो कोर स्किल्स था उसके तीन चार एरियाज हैं जिसमें सीओ सी बनता है नंबर वन बताया मैंने परसिस्टेंस नंबर टू उसका सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ स्टीम जिसके अंदर सेल्फ स्टीम हाई होती है ना वो बड़ा बंदा होता है नंबर थ्री उसका फेथ का लेवल यकीन का लेवल के बड़े लेवल होते हैं बट चीज़ पे अपने बिजनेस की स्ट्रेटजी पर क्या ठीक देखिए जो फेथ होता है ना तीन चीजों का नाम है। खुद शिनासी दुनिया शिनासी और खुदा शनासी hmm. और उसके ओपोजिट 90 परसेंट पाकिस्तानी फंसे हुए हैं खुद फरेबी दुनिया फरेबी और खुदा फ्रेबी जो बंदा खुद शनास हो जाता है उसका अपनी सात पे यकीन होता है खुद शिनासी का मतलब खुद पर यकीन दुनिया शनासी पर दुनिया को समझता है और फिर जाके खुदा शनासी पर सफर यह खुद ही का सफर है सारा यही समझना है बच्चों की नई नस्ल को जो सी को मैं समझाता हूँ कि आपकी सेल्फ स्टीम नंबर वन है, वो कहते है जिके, आ, डाई फॉर द सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी इज्जत नफ्स के लिए मर जाओ बट नेवर लेट द सेल्फ रिस्पेक्ट डाई इन यू अंदर मरने ना जिस दिन मर गए तो आप फिनिश्ड पैसा नहीं खाना आपने जिंदगी की सबसे बड़ी जो आजकल जो नया मॉडर्न लिटरेचर पूरी यूरोप का जो मॉडर्न जो अमेरिका का जो माइंडसेट है वो हैप्पीनेस पे आ गया है पूरा जो मिलीनियर्स है यूरोप का अमेरिका का वो हैप्पीनेस पे शिफ्ट हो गया है वो लालच नहीं करते वो पैसे नहीं कमाते वो बड़े बड़ी एम्पायर नहीं बनाने जाते आज का नया मिलीनियर्स वो कहता है कि जो मेरा दिल करता है बस वो करूँ मैं मुझे उसकी फ्रीडम दे दो आपको पता है जापान के अंदर एक शहर जो टोक्यो के साथ एक छोटा सा शहर है सोपाप्स में वो चालीस सौ घर है उधर छोटा सा उन्होंने बनाया हुआ है मेरा दोस्त आया जापान से मैंने कई सफर क्या सीखा मैं जो भी आता ना ट्रैवल करके उसने बाहर बताई आई वॉज ओपन माई माइंड ब्लोइंग वो कहता जी ये मुझे दोस्त ले गया उधर हंड्रेड ये हंड्रेड लोग रहते हैं बड़े वी आई पी लोग हैं कहता अच्छा कहते हैं सारे बिलियनर्स हैं कहता अच्छा ये हमारे भी डीएचए में बड़े बिलियनर्स रहते हैं हमारे भी फेस फाइव में एफ एफ सिक्स में बड़े बिलियनर रहते हैं कहता नहीं नहीं अगला सुनो कि ये बिलियनर्स हैं नंबर टू ये सारे के सारे रिटायर्ड हैं रिटायर्ड हैं नंबर थ्री ये सारे चालीस साल के नीचे हैं क्या बोला चालीस साल से नीचे जो मैंने पहले बताया में सारे 70 साल के बब्बे हैं वो चालीस साल से रिटायर हो चुके हैं कहता, क्या मतलब कहता बीस साल से अपना सफर शुरू किया था बीस साल में अपनी ली, unicorns, और उसके बाद इन्होंने कहा कि क्योंकि हमने जो बीस साल जिंदगी के गुजारे थे वो हमने इतना अपना टाइम दिया इतनी अपनी खूने जिकर दिया ठीक है अपनी अब हमने वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली अब हमारा सिस्टम ऐसा डेवलप हो गया कि हमारे अपने सी हायर करके उनकी ट्रेनिंग करके हम अपना एक चेयरमैन जो भी एक लीगल रोल होता है दुनिया में जो ग्लोबल जो कारपोरेट गवर्नेंस जिसे हम कहते हैं तो उसमें चले गए अब हमारा सिस्टम चल रहा है पैसे आ रहे हैं और निज़ाम चल रहा है वो डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है एनुअली जैसे फॉरन बूफी की छः सौ कंपनियाँ एक सी से मिलने एक सी को उससे मिलने के लिए दो साल का टाइम चाहिए पता है आपको तो वारंट भूफे को पास होने के टाइम के हर सीओ के सुबह बैठ क्योंकि वो सीओ होते नहीं वो तो माइक्रो मैनेजर है और बदकिस्मत में सीओ को ये ट्रेनिंग 90 अपनी या बने होते। पानी के सीओ अपने के मसले हल कर रहे हैं उनको डेलीगेशन ही नहीं आता सीओ का सबसे बड़ा स्किल डेलीगेशन है डेवलप करो अपनी टीम को उनको डेलीगेट करो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको ओनरशिप दो बेचारे स्ट्रेस uh, uh, में रहती हैं हर वक्त नॉर्मली पाकिस्तान के जो सीईओ हैं वो इस डायलामा में हैं और जिस तरह आप बता रहे हैं ना माइक्रो माइक्रो मैनेजमेंट की जगह माइक्रो मैनेजमेंट yes, कर रहे ऑपरेशन कर रहे होते हैं सीईओ hmm. ही जॉब डिस्क्रिप्शन है यार जो थर्टी फाइव बताए ना मैंने हाँ? अगर उसको मैंने जोड़ू ना एक बनता है जो ग्लोबली ना एक बनता है सीईओ का नंबर वन काम एक ही किया है वो है थिंकिंग सीईओ का सबसे बड़ा जेडी क्या है थिंकिंग लॉन्ग टर्म थिंकिंग

पुराना बाबा जो सेठ था ना वो नहीं समझता था वो कहता था गले पे बैठो <laughs> मैंने एक सेठ से पूछा एक बहुत बड़ा बिलियन है उसके पच्चीस बिलियन का पोर्टफोलियो तो मैं उसके पास बैठा हुआ था डी सी आदमी पेंडू आदमी गुजरा वाले से निकल के लॉर आया पहले कौंकरी की छोड़ के फिर उसके बिलियंस की उसने एक कंपनी बनाई ठीक है पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर का टॉप का सीओ तो और पढ़ा भी लिखना नहीं सिंपल नहीं एग्रीकल्चर की डिग्री ली हुई है तो मेड इज फॉर्च्यून उससे मैंने पूछा वॉट इज योर सीक्रेट ऑफ स रेसिपी क्या है सर जी वाक़ से मुझे कहता है जास मेरी सबसे बड़ी रेसिपी है कि मैं माँ बाप का सबसे बड़ा ना, नाफा नाफरमान फरमा बतार बच्चा हूँ नाफरमान बच्चा हूँ मैंने कहा सर ये क्या सारी दुनिया बताती है वो फरमा बता रहे ओबीडियंट सन ऑफ द पेरेंट्स आप उल्टे हो गए कहता यही तो सीक्रेट है क्या कहता जी मेरे अब्बा जी चालीस साल से ना फिलहान छोटे से शहर में एक परचून की दुकान चलाते थे और उसका दादा भी मेरे चलाता था फिर अबा जवान हुआ तो वो अब दादा की जगह बैठ गया उसकी फिर मैं जवान हूँ अबे ने कहा बैठो मैंने कहा मैं नहीं बैठना अबा जी ये जो आपने मुझे गले में बिठाना है मेरे सारा स्किल मैंने पढ़ लिख के इधर ज़ायर करना है तो मैंने चालीस से पचास हजार रुपये का अकाउंटेंट ना हायर कर लूँ और एक मशीन लगा दूँ जो भी है कैलकुलेशन करके बिल बनाए इलेक्ट्रॉनिक और मैं जाके इस तरह की दो ब्रांचें और बना लूँ अब ने खिलाफ किया लेकिन मैंने उसके बावजूद अपना जिद्दी बच्चा था मैं लाडला था कर लिया मैंने मैंने अपनी जगह पे ना अबे की जो गला था कहता तो गले उठना जरूरी है गल्ले पे बैठने के ना तो सारा जो पुराना अब उधर ही रहेंगे बस एक कॉमन जो एक फिनमिनान है शायद मिथ है आप बेहतर बता सकते हैं आपको इंतज़ार करना पड़ता था इन लोगों से बात करने के लिए कुछ लोग इसको स्टबरनेस कहेंगे खुद कुछ लोग इसको सी का उसका तकबर कहेंगे जो भी कहेंगे बट इज स्ट्रेट कॉमन के यार थोड़े से मगरूर होते हैं या क्या कह सकते हैं नहीं, नहीं नहीं मैं आपको नहीं यार मैं बुनियादी जो ना तीन तीन घंटे अब तो गुजर गया ना टाइम अब नहीं ऐसा अब तो बड़ी लंबी लाइन है वो ये था भाई के जब था ना वक्त ब्रांड नहीं बनाता था जहाज नजार यो क्लब को जानता कोई नहीं था मेरे काम अभी वो किताबें प्रोड्यूस नहीं हुई थी नहीं। मेरा लाहौर में जो आप देखेंगे ऐसा इंस्टीट्यूट पूरे पाकिस्तान में है ही नहीं ऐसा कैफे जो खुद ही बनाया वो है ही नहीं एक भी होगा तो मुझे बता देना ऐसा मैगजीन ऐसी बुक हंड्रेड सी वाली है ही नहीं वो ये तो नीच मार्केटिंग जिसे कहता मार्केटिंग में पढ़ते हैं कि असल में वो नीच पकड़ ली ना आपने एक उस नीच को पकड़ने तो सक्सेस होती है ना हर बंदे के जबान वो नीच नहीं आती ना वो जर्नल चीजें सारे दूध बेच रहे हैं आप भी बेच रहे हैं सारे काम कर रहे हैं आप भी कर रहे हैं तो वट इज अ डिफ्रिशिएटिंग फैक्टर बी डिफरेंट बी यूनिक बी फर्स्ट इन द रेस अगर आपने ऊपर वाले पोडियम पे आना है तो यू हैव टू बी बी यूनिक डिफरेंट हो या फिर चौथी वजह वही सरदार वाली सुनी होगी आपने को ओलंपिक्स में जो गोल्ड मेडल ले लिया उसने मैराथन रेस में दस हजार सारे गोरे गोरियां चिट्टे नाले कीले काले पीले सबको पीछे छोड़ दिया यू बिकम द वर्ल्ड चैंपियन इन मैराथन उसका जब इंटरव्यू लेने के लिए आप जैसा दोस्त आया नहीं, नहीं जी, जी, कामयाब हो गया आप हीरो बन गए गोल्ड मेडल मिल गया कुत्ता खेल <laughs> लगाया था <laughs> देर रीजन <laughs> जो पैशन वैशन कुछ नहीं होता रीजन होती है जो दौड़ाती है ट्रेंडी वर्ड बन गया है अब ओल्ड हो गया है अब अब पैशन की जगह शायद लोग जो हैं इस पैशन लव को गलत इस्तेमाल yes. कर रहे हैं इस पैशन को हम इंटरेस्ट तो कह सकते हैं सर झाग आ... है ये ये, ये साबुन के ऊपर जो ना जो सर्फ में झाग निकलती है ना ये पैशन है दो दिन बाद पैशन ठंडा हो जाता है असल में क्या चीज है पर? असल में ऑब्सेशन है सर ऑब्सेशन को मैं लफज बोलता हूं इश्क नहीं, नहीं। जब तक आपको अपनी इश्क के तीन स्टेप्स हैं आपको अपनी जैसे आजकल एक बड़ा नया सब्जेक्ट निकला सेल्फ केयर सेल्फ यर एक नार्सिसिज्म ये दोनों में बड़ा बारीक फर्क है जैसे कॉन्फिडेंस में बदतमीजी में बड़ा बारीक फर्क है आजकल जो नया बच्चा पार्टी है थोड़ा सा ए लेवल कर जाए अंग्रेजी आ जाए तो वो बदतमीज हो जाते हैं मुंह में इंग्लिश की चूसी डाल के अब्बा जी को कहते हैं अब्बा जी आपको पेंड हुए हैं वो पढ़ के अंग्रेजी या पढ़ के चार चीजें बदकिस्मत मुल्क है जिसमें आज भी अंग्रेजी और चिट्टा रंग हमारा सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है एस ए नेशन जिसका रंग चिट्टे है उसकी लड़की की शादी सबसे पहले होती है कड़वा घूटा पी लें जरा hmm. और That's जिसके so पास true. अंग्रेजी अच्छी है उसकी सबसे बड़ी जॉब पहले होगी जिसके मुंह टेढ़ा करके इसने एक्सेंट डेवलप कर लिया चाहे उसे दो लाइने लिखने आती हूं मैं इंग्लिश मैगजीन निकालता हूं खुदा की कसम मैं रोज रो रहा होता हूँ कंटेंट राइटर ढूंढ रहा होता हूँ किसी को अंग्रेजी की चार लाइने लिखनी नहीं आती विद सेंस एंड सेंसिबिलिटी ना ना सेंस ना सेंसिबिलिटी है कि यार लिखना कैसे है कसम से मैं सब्जेक्ट देता हूं बच्चों आ जाओ फिर क्योंकि मैं तो सीवी नहीं देखता ना मैं कहता तो हूँ पचास हजार सैलरी है बच्चा फ्रेश चाहिए कोई मुझे नहीं तजर्बा चाहिए सिर्फ एक स्किल चाहिए राइटिंग राइटिंग है ना मेरे कंटेंट राइटर है तो अंग्रेजी का कंटेंट होता है ये पकड़ लो और ये ये गूगल शूगल बंद कर दो कागज पेंसिल पकड़ो ये सब्जेक्ट है चार लाइने के दिखा दो एरल इंग्लिश नाइन्टी फेल हो जाते जब तक उनके हाथ में कंट्रोल कर राइटिंग शायद उनका पैशन हो जिस तरह आप बताएं तो उसकी वजह क्या जो इश्क है ना बड़ी बाज रुकी इश्क अपने मकसद के साथ इश्क अपने गोल्स के साथ इश्क ये जब तक ये जो पागलपन ना नहीं होता ना इंसान आगे नहीं जाता एक स्टेप के बाद उसकी स्टकनेस आ जाती है जिसको आप करियर पर कह रहे हैं कि पैंतीस से चालीस वो वो लोग होते हैं वो एंड पे एक सवाल पूछते वट आई वाई आई एम डूइंग वट आई एम डूइंग ये बेसिक क्वेश्चन उनको अंदर कीड़े की तरह तंग करता है क्यों ये गाड़ी भी आ गई दो लाख रुपए सैलरी भी है तीन लाख सैलरी है ठीक है एक शादी भी हो गई बच्चे भी दो हो गए लेकिन एंग्जाइटी नहीं जाती आज का सबसे बड़ा इशू एंग्जाइटी है यार मॉडर्न बंदे का और जो एंग्जाइटी आज का तो फैशन बन गया है यार डिप्रेशन एंड एंगजाइटी बस वर्ड है आजकल डिप्रेशन यार आजकल बड़ा डिप्रेशन शक्ल पर बारह बजे होते किसी भी बॉडी लैंग्वेज रीड कर लें आप शक्ल में बारह बजे होंगे वो क्या वजह है भाई उसकी वजह वही है कि वो जो करना चाहता है वो नहीं कर रहा याद रखिएगा एक बात वन द गोइंग गैट टफ द टफ कैन गो भाई आपको जो मुश्किल हो जाता है क्राइसिस तो बहुत पॉजिटिव चीज है आपको पता है वॉट इज द मीनिंग ऑफ क्राइसिस डिक्शनरी मीनिंग क्या है क्राइसिस का डिक्शनरी mm -hmm. मीनिंग क्राइसिस का है टाइम टू चेंज इसका जो लेटरिंग जो लीगल मीनिंग जो लुक भी मानी है मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ क्राइसिस पॉजिटिव होता है यार ये तो टाइम टू तो चेंज है अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है तो यार ये बड़ी अच्छी बात है क्यों आपको सारी बकवास याद नि निकलना पड़ेगा आपकी सारे फजूलियात ये जो आप स्क्रीन के ऊपर आठ घंटे टाइम आएंग कर रहे हो आप टोमोनीटाइज करो एक घंटा आपका एक हज़ार का है तो सात घंटे आप डेली एज पर रिसर्च आप स्क्रीन टाइम चल पड़ा है तो थर्टी डेज तो ब्रेक चलता है ठीक है तो मल्टीप्लाई करें कितने हो गए डेढ़ सौ घंटे डेढ़ सौ घंटे का मतलब डेढ़ लाख रुपए का आपने लॉस कर दिया यार अब आप ना करें क्राइसिस का बता रहे आपको टाइम टू चेंज अपने करें। करें। चार बत्तियों की बजाय एक बत्ती में काम करें सेविंग्स करें सेविंग इज अर्निंग उसके बाद टाइम अच्छा आएगा तो आपकी जो एफिशिएंसी है आपको टाइट के साथ ऊपर ले जाएंगी बाकी पीछे रह जाएंगे मैंने एक लाइन पढ़ी थी मेरे पास ना बाइक थी ना मोटरसाइकिल थी ना गाड़ी थी ना साइकिल थी लोकल वैगनों में सफ़र करते थे इस एक कागज़ के टुकड़े ने मेरी जिंदगी बदल दी यार होता था हम मुसलमान हैं कोई पकड़ने चाहता कोई आयत ना लिखी हो किसी कागज़ पे ना अखबार का टुकड़ा होता ना कि हम चूम के उसको रख सकते हैं आज भी मेरी आदत है मुझे अखबार का टुकड़ा हो कोई आयत नजर आ जाए तो मैं डर जाता हूँ मैं यार कहीं अला पाक नाराज़ होंगे मैं पकड़ के उसको रख देता हूँ या साफ़ करके जेब में रख लेता हूँ कहीं जगह में रख दूंगा तो मैंने इसी तरह की ना एक जो ना एक अखबार का टुकड़ा पकड़ा उसमें एक लाइन लिखी हुई थी इंग्लिश की कोटेशन थी वो मेरी जिंदगी में आज भी मैंने संभाल के वो आयत रखी वो आयत की तरह पढ़ता हूँ उस लाइन को क्या yeah, सुन लीजिए कहते कि वेन पीपल थ्रो स्टोन जब लोग आपके पत्थर मारे हैं ठीक है तो उसके जवाब में पत्थर ना मारो कुलेक्ट दीज स्टोन्स एंड बिल्ड द बिल्डिंग ऑफ योर एम्पायर ऑफ योर ड्रीम्स एंड गो अपर द लास्ट फ्लोर दीपल विलोइिव <laughs> जब उस बिल्डिंग पे जाके खड़े हो जाएंगे उसके फ्लोर पे, तो वो जिन्होंने पत्थर मारे थे, वो आपको ऑन करेंगे जब मैंने सिविल सर्विस पास किया खुदा की कसम, नहीं भाई वो लोग मेरे पास मसले लेके आते थे जो आपको बिस्तार में ग्रेड का बाईस साल की उम्र में मुझे मिल गया होता है बाईस में लाजम आज वह चौबीस पच्चीस बच्चों को पता ही नहीं होता तो दिशा द रियलिटी मैंने नेकेट ट्रुथ का लफ्ज़ बोला पहले कि मैंने ज़िंदगी की उस नेकेड ट्रुथ देख ली कि यहाँ तो डेजिग्नेशन को पैसों को सलाम होता है ना जी गाड़ी बड़ी को सलाम हो इवन बेचारा एक गरीब सा आप पेट्रोल ललवाएँ या किसी किसी ऑफिस में जाएं अगर आपकी बड़ी गाड़ी है तो चारा तो ऐसे सूट भी लगाएगा साफ भी करेगा और अंदर भी सिक्योरिटी गार्ड बेचारा पता जाती दफ़ा उसको कुछ पैसे मिल जाएंगे और अगर बाइक पर जाएंगे तो कहेगा भाई इतनी खड़ी करनी है उधर ले जाओ पीछे ले जाओ पीछे पार्किंग में ले जाओ तो जब कोई रियलिटीज से मुझे देखता बच्चा तो उसको भी दिमाग ख़राब हो जाता है कहता है यार भी मटीरियल प्रोसेशन ही सब कुछ है इस मुल्क में अख्तियार यहदा ही, ही है तो वही कहता हूँ कि जब उहदाज होता है तो मैंने वो सारी चीज़ें देखी फिर मैंने कहा नहीं यारे जहाज आने वाले दिनों में लिविंग द लेगेसी के ऊपर अगर आपने काम नहीं किया एक जुमला नहीं भाई आपको डेडिकेट करके जा रहा हूँ जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं ये एक बेसमेंट है इसके ऊपर कितने फ्लोर हैं पांच चार होंगे ना चार तो इस बिल्डिंग के ऊपर ये जो तो आपने लाइटें लगाई हैं कैमरे लगाए हैं इतने लाखों रुपए के इस बिल्डिंग का वजन किसने उठाया है कैमरों ने एयर कंडीशन ने या उन बुनियादों की पत्थरों ने जिनके ऊपर आप बुनियाद डालते हैं जिसमें आपने सरिया सीमेंट रेत के ऊपर कंक्रीट डाल डाल के उन पत्थरों को डाल डाल के इसकी बुनियादें मजबूत की और वो नज़र भी नहीं, नहीं आती तो शेर है इसको मैं कम इसको समराइज करता हूँ कि सदार पोश रहते हैं वो पत्थर अमारत जिनके कांधों पर खड़ी है आप तारीफ़ देख करते हैं एक तस्वीर की पेंटिंग्स आपके कमरे में लगी होंगी दुकान mm. तो वालों ने लगाई होंगी कहेंगे क्या खूबसूरत तस्वीर है लेकिन कभी उस कील की तारीफ नहीं होगी जिसने उसका वजन उठाया हुआ है यस सब देट वाज वेरी डिलाइटफुल और आपकी रिसर्च और आपका अंदाज बयाँ और जो आपका नॉलेज है मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ऑडियंस ने आपका जरूर सुना होगा आपका यूट्यूब भी देखा होगा बट दिस इज़ वो कहते हैं ना ये टिप ऑफ द आइजबर्ग है वो सिर्फ आपका यूट्यूब चैनल हो आपका सोशल मीडिया जो आपका एसेट्स हैं वो आपकी बुक्स हैं वो इन लोगों के साथ इंटरव्यूज़ हैं जो इन किताबों में पढ़े हुए हैं वो लेसन हैं जिससे यूथ सीख सकती है जो लोग आपके बारे में मज़दीद जानना चाहते हैं आपके साथ रब्तें में आना चाहते हैं खवा वो यूथ हो खो वो कोई सी हो वगैरह वगैरह हाउ दे कैन गेट इन टच विद यू वेयर यू आर सोशली एक्टिव द मोस्ट यार मैं कोई इसमें आ, इसको कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं मेरा ना एक चीज मैं बच्चों को एक चीज सिखाता हूँ नई नस्ल के बच्चे मेरे पास बहुत आते हैं आते हैं मैं उनको एक पर्सनल ब्रांडिंग सिखाता हूँ बेटा जो दिखता है वो बिकता है आप अच्छे डॉक्टर हो अच्छे इंजीनियर हो अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो लेकिन अगर वो ब्रांडिंग पे काम ही ना किया तो नलायक डॉक्टर हो नलायक इंजीनियर हो अगर आपको ब्रांडिंग करना मार्केटिंग इज डिफरेंट थिंग मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा मैं सर कहती हूँ वट इज ब्रांडिंग पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है मैं कह जी ब्रांडिंग होती है ना आपका इमेज होता है आपके काम का इमेज होता है ठीक है ना आप देख रहे होते आपको कोई का अल्लाह ना करे को मुझे आपको मसला हो हम अपने दस दोस्तों विचार हुई इज बेस्ट डॉक्टर इन द टाउन मैंने उसी से कराना है मैं पैसे हैं मेरे पास mm -hmm. मुझे अच्छा डॉक्टर दे दो यार क्योंकि डॉक्टर बिलीव नहीं ना आजकल कि यार मैं जिंदगी पे चार दिन है मैंने पैसे तो नहीं लेके जाने पैसे मैं दे दूंगा मुझे मेरा हार्ट सही करते यार तो आप किसी फजूल डॉक्टर के पास जाएंगे उसके पास जाएंगे जो कि नोन है वो नोन कोई ब्रांडिंग कहते हैं तो मैं बच्चों को कहता हूँ पांच फार्मूले का टिप्स याद रखो नंबर वन ब्रांडिंग का मतलब है अपनी ब्रांडिंग करनी सीखो नंबर वन विजिबिलिटी क्या बोला विजिबिलिटी इसलिए नहीं कि आपको कुछ मशहूरी चाहिए यार देखेगा मशहूरी बड़ी छोटी चीज़ है ठीक है जी आपको वही बात लिविंग द लेगेसी की भी करनी है ना आजकल तो अल्लाह ने जो टेक्नोलॉजी दी है इसको बेनिफिट लो टेक्नोलॉजी भी इंसान ने क्रिएट किया और उसका बेनिफिट लेना चाहिए तो पहला क्या जी विजी यू मस्ट बी विजिबल जैसे नीम सिकंदर को मैं लिखूंगा नीम सिकंदर गूगल में तो सबसे पहले ऊपर आएगा उसको पता है कि ऐसी क्या होती है उसे पता है कि यार कौन से हैश यूज करने हैं कौन सी मैंने वर्ड्स लाइन्स की यूज करने हैं क्या कहला जी एक बच्चे होते हैं जो आजकल डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं वो ये चीजें उनको सिखाई जाती है कि किसी कंपनी का ब्रांड किसी बंदे को कैसे आपने ऊपर लेके आना है तो विजिबिलिटी आपकी सेकंड एक्सेसिबिलिटी तो मेरा ये दस साल से जब से मोबाइल बना है एक ही नंबर है और वैसे भी मैं सी की कोचिंग करता हूँ एक उनको सीक्रेट देता हूँ खुश रहने का कि बीवी मोबाइल खुदा एक रखो <laughs> <laughs> और जब लो प्रोफाइल हो तो हाई प्रोफाइल शो करो और जो हाई प्रोफाइल हो जाओ तो लो प्रोफाइल शो करो फेक इट टिल यू मेक इट वो पहले वाला है। जब लो प्रोफाइल हो तो हाई प्रोफाइल फेक इट और जब सचमुच में हो जाओ ah. बिलेनर बन जाओ तो फिर लो प्रोफाइल शो करो क्योंकि फिर हसद हीन पड़े हैं क्योंकि हसद करने से ज्यादा हसद करवाना गुना है और इस मुल्क में हसद है कि हम किसी को दिल से दुआ भी नहीं देते दे कहीं सचमुच में लागी ना जाए <laughs> और तीसरा <laughs> क्या जी क्रिएटिविटी पहला क्या था ब्रांडिंग के अंदर विजिबिलिटी मैं को सिखाता क्योंकि किसी मुल्क की जो चेहरा होता है ना वो उसके ब्रांड्स होते हैं यार दुनिया नहीं. पे हुकूमत पॉलिटिकल लीडर्स नहीं करते अब बाइडन नहीं कर रहा अमेरिका पे हुकूमत वो तो अब जा रहा है चला जाएगा ओबामा भी चला गया रेगन भी चला गया सारे चले गए ठीक है किसी मुल्क पे जो हुकूमत करता है उसके ब्रांड्स करते हैं माइक्रोसॉफ्ट है डेल है एफ सी है टेक्नोलॉजी के ब्रांड्स हैं स्टीव स्टीव जॉब का ब्रांड जो है ना ही माशाल्लाह इतना स्ट्रॉन्ग है कि 500 बिलियन डॉलर की उसकी वर्थ है ट्रिलियन डॉलर से बढ़ गया सर। ट्रिलियन डॉलर बढ़ गया तो ट्रिलियन डॉलर का जो ब्रांड है यार दस पाकिस्तान खरीद ले हमारा एक सवा सौ बिलियन डॉलर का कर्जा हमारे गले पड़ा हुआ है सारा फैसला तो ये है ना डेट सारा पैसा इकट्ठा करके जो टैक्स है वो हमारा डेट सर्विस में चला जाता है एट्टी परसेंट तो पैसे उधर चले जाते हैं दस हज़ार अरब इकट्ठा नहीं होता तो सात हज़ार अरब के डेट खड़े होते कर्जे की जो हमने जो किस्तें देनी होती है तो ये ब्रांडिंग का तीसरा पार्ट क्या जी पहले क्या जी विजिबिलिटी दूसरा क्या जी एक्सेसिबल आपको कोई भी दुनिया का बड़ा ब्रांड आपको पता है मैं ट्रेनिंग कराता हूँ सी को कोचिंग करता हूँ उनको जुमला बोलता हूँ उन्हें कहता हूँ यार आपने करोड़ों रुपये की मार्केटिंग कंपेन शुरू की हुई है फोन करो आपने नंबर दिया होता है उस पर एक थकी इंतहाई फजूल किस्म की बंदी बंदे का जी बताएं जी क्या मैं जी, पहले उसे कम्युनिकेशन स्किल सिखाएं उसको टेलीफोन के आदाब सिखाएं कस्टमर सर्विस सिखाएं अगर आपने पैसे लगा दिए करोड़ तो पचास हज़ार उसमें भी निकालते वो बच्चों को नहीं पता एक्सेसिबिलिटी एक्सेसिबल आप किसी भी बड़े ब्रांड को कॉन्टेक्ट करना एक सेकेंड में आप उस पर जाएंगे गूगल जाएंगे इवन रेस्टोरेंट में उसका फोन नंबर कॉल करें इंट्रेक्शन लें उसका उसका हर चीज़ मिल जाएगी उसकी वो एक्सेबल है भाई तीसरा क्रेडिबिलिटी बड़ी जरूरी है जब भी आप किसी इवन के रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं मेरे बच्चे जाते हैं आपके आप जाते हैं पहले उसके रिव्यूज देखते हैं कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है कि रेटिंग किसकी है हालांकि कुछ ठीक है फेक एंड कॉन्कॉक्रीट रेटिंग भी होती है तो वो क्रेडिबिलिटी डेवलप करनी है और क्रेडिबिलिटी ब्रांड का सबसे बड़ा जो ट्रस्ट होता है ब्रांड का मतलब ट्रस्ट है कोई ब्रांड जो इमेज होता है इन पांच चीजों से बनता है

कहते हैं डू एंड डाई पहला जो जमाने का कॉन्सेप्ट था अब डू एंड डाई नहीं है अब क्या है डू एंड इनोवेट डाई mm. एंड इनोवेट सॉरी नोकिया वाले ने क्या बोला था उसके सीओ के आखिरी स्पीच में mm. एक लाइन थी क्या थी उसने कहा था वी डिड नथिंग रॉन्ग बट वी लॉस्ट मैंने कुछ भी गलत नहीं किया लेकिन हम हार गए एंड एवरी बॉडी इन द बोर्ड वहां बैठे हुए थे सारे रो रहे थे नोकिया का नाम तैतीस कल को मेरे हाथ में था आप गया हाथ में था ना hmm. कहा गया बिल्कुल किधर गया ब्लैकबेरी थे प्रेस्टीज थी वैल्यू थी किधर गया निराला था लाहौर में मारी शादी नहीं होती थी किसी बंदे की हाँ. जब तक मिठाई ना निराला किया किधर क्या मैं बच्चों को ना हंड्रेड सक्सेस स्टोरीज के साथ हंड्रेड फेलियर स्टोरीज भी लिख रहा हूं मैं एज लैसेंस मैनेजमेंट लैसेंस फॉर यंग स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस कि भाई कामयाबी से ज्यादा हार सिखाती है और लास्ट वाला ब्रांड का मतलब है प्रॉफिटेबिलिटी कोई दुनिया का ब्रांड लॉस नहीं कर रहा होता तो पांच चीजें हैं पर्सनल ब्रांडिंग में अगर आप खाली मोटिवेशन स्पीकर बन गए प्रॉफिट नहीं है जेब में आपके कोई रेवेन्यू नहीं, नहीं आ रहा तो आपका माइंड का बिजनेस का मॉडल ही कुछ इरोनियस है कुछ को रिविजिट करने की जरूरत है तो दिस इज द पावर ऑफ ब्रांडिंग मैं एक बच्चों से सवाल पूछता हूँ आपसे पूछता हूं मैं कह यार आपको कितने साल हो गए सोशल मीडिया जितने साल हो गया पांच साल मैं लिंकड इन पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं कितने आपके आपकी क्या उसकी यूटिलाइजेशन है? है ये कोई नहीं मैं पता आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अभी तक पैदा ही नहीं हुआ आप यू डू नॉट एग्जिस्ट एट ऑल आप खाली मैनेजर बने हुए मार्केटिंग मैनेजर सेल मार्केटिंग मैं बच्चों से जाता हूं यूनिवर्सिटीज में मैं उससे पहला काम करवाता हूं कि किस बच्चे का लिंक्ड का अकाउंट है और एक्टिव है और उसको वो पॉजिटिवली यूटिलाइज करता है मैं कर जिन आपके हाथ में है पता ही नहीं है लिंग डीज है आप फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्टें लगा के हर बंदा चिट्टा हर बंदा सोना हर बंदा खुश बकवास है सारी है कोई सोना नहीं है कोई कोई चिट्टा नहीं नहीं है कोई हुश नहीं है खुश सारा डिप्रेशन है जो बेचारे कर रहे होते हैं फेक दुनिया में चले गए हैं ऑगमेंटेड रियलिटी है ये सारी शेडो रियलिटी है आप जाए जरा उधर अब दुनिया के सीओ के साथ आप उनको अपनी रिक्वेस्ट भेजिए उनकी पोस्टें पढ़े हर दुनिया का सी बैठा हुआ है लिंगडिन पे उसका एडमिन मैनेज कर रहा होगा बिल गेट भी होगा मैंने सर कोशिश करके दस साल में अपने एक लाख फॉलोअर बनाए एक लाख फॉलोअर का मतलब है मेरी सौ करोड़ जो ना अगर फेसबुक में हूँ उसके बराबर नहीं है क्योंकि वो दुनिया के अंदर मैं आपको मजे की बात कूँ किसी भी मुल्क में चला जो मैं एक पोस्ट लगा दूँ ना कि मैं लिंकडिन के मेरे अपने कि मैं जी मेरा ये नंबर है लोकल जर्मनी में गया हूँ हॉलैंड में गया हूँ स्विट्जरलैंड जाऊँ लंदन जाऊँ तो मैंने कहा मेरी सिम का ये नंबर है और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है ये मेरा लोकल नंबर है और शाम को फलां जगह मैंने कॉफ़ी पीनी है पचास बंदे आ जाते हैं जहाज न से मिलने जिनको मैं जानता भी नहीं मतलब तो लिंकटिन जानता हूँ फिजिकली जानता हूँ और आगे पता क्या होता है पहला स्टेप क्या होता है क्योंकि पाकिस्तानी होते हैं ज़्यादा कुछ और भी होते हैं इंडियंस भी होते हैं बंगाली भी होते हैं वो आके ना यकीन जाने नहीं भाई कहते हैं जहाज भाई आप कहाँ ठहरे हैं मैं कहिए फिलहाल मैंने एक एयरबेन से बुक करा लिया था एक रूम अजमेर रोड मेरा सेंटर होता है वहाँ बड़े कॉमन सारे यार में ली ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर मिल जाते हैं तो कहते हैं जिसकी उसमें बुरा नहीं मानना एजहाज़ भाई आपने

अब सिर्फ पोस्ट लिखने ही सीख लो भाई सही तरह कि आपने कौन सी पोस्ट लिखानी है किस तरीके से आपने ब्रांड करना वहां बच्चों को जॉब ढूंढने आते हैं ना मेरे पास मैं जी पहले तो लिंकिन बनाओ ये दस पोस्टें मैं तुम्हें तो गिफ्ट करता हूं बना के लगा दो जब तुम्हारा कोई हायर जो ना रिक्रूटर जब तुम्हारा प्रोफाइल देखेगा ना तुम्हारी हायरिंग उधर से होनी है उसने तेरा पांच मिनट में बिहेवियर एनालिसिस कर लेना उधर से सीवी को आजकल कोई सेवनटी परसेंट जूट होता है तेरी हायरिंग डिंग डिन से होनी है और तुझे पता भी नहीं होना तेरे को मोबाइल पे लैपटॉप उसके सामने बैठा होगा आपका नाम बोल होगा आपका सारा प्रोफाइल उसके सामने होगा और पांच मिनट में आपका सारे तीनों चारों जो आपके अकाउंट्स हैं लिंकड इन फेसबुक जो भी इंस्टा और भी वो पांच मिनट लगेंगे आपका साइको एनालिसिस कर लेगा कि ये बंदा हायरिंग के काबल है यार इतनी हर बंदे की तो मतलब प्राइवेसी खत्म हो चुकी है हर बंदा नंगा हो गया है कि भाईजान ये बंदा है कौन क्योंकि आप 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 नहीं रुक सकते जो आपको दिल करता है लगा देते हैं बच्चे उन्हें नहीं पता होता कि कोई रीड भी कर रहा है इसको इस कंटेंट को सीरियस लोग आपको किसी और तरीके से देख रहे हैं और जो नॉन सीरियस है वो किसी और तरीके से देख रहे हैं तो अपना जो सोशल परसोना है तीन परसोनास होते हैं ना पर्सनैलिटी के एक आपका सोशल है एक आपका रियलिटी परसोना है, रियल जो आपके छुपा हुआ है और एक आपका आइडियल परसोना है हमारा इंसान जो है ना तीन परसोनाज पर काम करता है जो अच्छे जो बंदे कंपनियों की जो हायरिंग में असली जवाब बता रहा हूं कि बच्चे आते हैं जॉब नहीं मिलती मैं बुरा ना मानो पहले अपने आप को फाइंड आउट करो फाइंड योर सेल्फ सा है आपका सोशल रियल एंड एंड आइडियल का अगर सिंक्रोनाइजेशन है तो जॉब विल फाइंड यू यू विल नॉट फाइंड द जॉब इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल में आपके भी डिनर का टाइम हो गया है और आपकी टीम भी इंतजार कर रही है तो अगेन मेरा वही सवाल अगर लोग आपके आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, मजीद आपके बारे में जानना सारी चाहते हैं। लिखें, सिर्फ फेसबुक, किसी भी जगह, okay. और मेरा नंबर हर जगह, और मेरा एक ही नंबर है हर जगह वही है जीरो uh -huh. रिक्वेस्ट होती है कि ये मेरा मॉरल ड्यूटी होती है मैं फ्री टाइम जाके उन सारे अन आंसर्ड कॉल या मैसेजेस को मैं रिप्लाई करता हूं जो मेरे इख्तियार में है जो नहीं है और मैं जितनी भी मैंटोरिंग कोचिंग बच्चों की करता हूँ फ्री करता हूं उसमें कोई पैसे नहीं और ये मेंटोरिंग ऑनलाइन हो रही होती है या ऑनलाइन भी होती है जब क्वेश्चन आंसर आते हैं लेकिन ज्यादातर मेरी उधर मैनेजमेंट हाउस में तीन से पांच हर सैचरडे को सेशन होते हैं

पचास हजार लोग बेनिफिट उठा चुके हैं फिर मैं ही नहीं होता है। मेरे साथ और भी दो चार लोग आ जाते हैं आप जैसे कोई पढ़ा लिखा बंदा कोई इस्लामा कराची लाहौर से दूर से आया हो उसको भी कहता हूँ जैसे लास्ट टाइम अमेरिका से एक अनेटर आए हुए थे उनको मैंने उठा दिया चलो जी आप भी सेशन करें ही गेव द कमेंटोरिंग टू द स्टूडेंट्स और क्वेश्चन आंसर होते हैं डायलॉग होता है वो तकरीरें और लेक्चर नहीं होते मास्टरॉजी हमारी है सर जी हर बंदे ने एक सवाल लाजमी पूछना जो भी सेशन में बैठा होता है इट इस मैंडटोरी के टू तो आज क्वेश्चन उसका काम है क्योंकि आई बिलीव इन क्वेश्चनिंग रादर देन आंसरिंग सोकर को इसलिए जहर का प्याला पीला पीना पड़ा था कि वो सवाल करना सिखाता था यही थिंकिंग को इग्नाइट करता है कुरने पाक में साढ़े सात सौ दफा अफला तफक्कर है सर इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू यू आर डूइंग अ फंटेस्टिक जॉब वेरी इंपॉर्टेंट जॉब फॉर द पीपल ऑफ़ पाकिस्तान फ़ॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान अगेन डिस्क्रिप्शन में मैं जो है एजाज साहब का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा जो जहाँ पर सोशली एक्टिव होते हैं इनका जो इंस्टीट्यूट है लाहौर में उसका एड्रेस भी डाल दूंगा वही वाली बात तीन से पाँच हफ्ते, हफ्ते के दिन अगर आप जाना चाहें फ्रीली जो है वो सेशन अटेंड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन होगी आपको कोई चीज़ अच्छी लगी हो बुरी लगी हो जैसी भी लगी हो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगले एपिसोड तक हमारा इंतज़ार कीजिएगा आपसे मुलाकात होती है अगले एपिसोड में अल्लाह अल्लाफ़